हे गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आपका मोस्ट वेलकम हमारी क्लास में। माय नेम अभिजीत मिश्रा, आई एम योर जीए एजुकेटर और आप देख रहे हैं हमारी क्लास करंट अफेयर शो। आई होप गाइस कि मैं लाइव हो चुका हूँ, आप मुझे देख पा रहे हो। और कैसे हैं आप लोग? बढ़िया है। आई होप कि आप अच्छे हों, खूब अच्छे हों, अपनी तैयारी कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो और इस साल एग्ज़ाम जो भी आपके देने आप जा रहे हो सब लोग का सिलेक्शन हो जाए और सब लोग मिठाई खिलाएं हमें। चलिए गाइस, शुरू करते हैं अपना सेशन। तो आज मंडे है, मतलब मंडे का मतलब होता है कि एक नया दिन, पूरे वीक का नया दिन। और हमारा जो आज मंडे है तो हमें कैसे पढ़ाई करनी चाहिए आज, तो पूरे वीक में हमें क्या करना है, पूरे वीक में हमें क्या करना है, उसका एक ब्लूप्रिंट आपके पास होना चाहिए कि मतलब हमें कितना क्वांट, कितना इंग्लिश, कितना रीजनिंग, कितना जी रिवाइज करना है। हालांकि बहुत सारे बच्चों के मेंस का एग्ज़ाम भी हैं और बहुत सारे बच्चों के नहीं भी एग्ज़ाम है, तो मेरी ये बातें नहीं वालों के लिए हैं। और जिनके एग्ज़ाम्स हैं तो वो तो काफ़ी अच्छे से स्ट्रेटजी अपनी फॉलो कर रहे होंगे मेरे हिसाब से। चलिए तो गाइस शुरुआत करते हैं अपने सेशन का। और आज हमारे पास 19 सितंबर की इन्फॉर्मेशन है, आपको सारी इन्फॉर्मेशन देंगे। अरे एक मिनट जरा रुकिएगा, तो यहाँ पर ये अपडेट कैसे चला गया अपने आप, एक मिनट बस देना मुझे, एक मिनट। कुछ प्रॉब्लम हो गई है शायद मेरे ख्याल से। यार ये बोर्ड मुझे बड़ा परेशान कर दिया है। बस एक मिनट रुक जाएगा, एक मिनट दीजिएगा मुझे। क्या है यार इसमें, चलो शुरू करते हैं। आई होप कि आप लोग भी बने होंगे क्लास में।
ठीक है दोस्तों, स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। तो अनअकैडमी क्लास स्पेशल आपको बताइए, 10:10 PM क्लास हमारी होगी, आज फिर हमारी क्लास होगी रात में 10:10 PM पे। हम स्टार्ट करते हैं अपना सेशन बिकॉज हम लेट हो चुके हैं। तो पहली इन्फॉर्मेशन हमारी रैंकिंग रिपोर्ट और इंडिसेस से आएगी, ठीक है। रैंकिंग रिपोर्ट और इंडिसेस में हमारी पहली इन्फॉर्मेशन है, यहाँ पर हम बात करेंगे अबाउट द एडॉप्शन ऑफ द क्रिप्टो करेंसी, मतलब किसी देश के नागरिक क्रिप्टो करेंसी कितना अडॉप्ट कर रहे हैं उस पर रैंकिंग की बात करें, और भारत चौथे नंबर पर है, ठीक है। देखिए पहली इन्फॉर्मेशन क्या है हमारे पास, तो इंडिया स्टैंड फोर्थ रैंक इन द थर्ड ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स, ठीक है। मतलब दोस्तों तीसरा एडिशन है ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स का, एंड वियतनाम टॉप फॉर द सेकेंड कंसेक्यूटिव टाइम, और वियतनाम लगातार दूसरी बार टॉप पर आया, ठीक है। आप बोलेंगे कि सर आपने इसके पहले भी पढ़ाया था ये, तो वो जो इन्फॉर्मेशन थी बेटा वो इन्फॉर्मेशन थी फॉर द 21, और ये जो इन्फॉर्मेशन है ये 22 के लिए, 22 के लिए, ठीक है। तो क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स की बात कर रहे हैं, क्रिप्टो मीन्स क्रिप्टो करेंसीज, वर्चुअल करेंसीज, आई थिंक आपने नाम सुना है जस्ट लाइक बिटकॉइन, है ना, वैसे ही। तो किस देश के नागरिक कितना ज्यादा क्रिप्टो करेंसी में निवेश कर रहे हैं, ये बोर्ड तो परेशानी कर दिया है, ठीक है, हम उसकी बात कर रहे हैं यहां पे। देखिए दोस्तों, तो रिपोर्ट कौन सी आई है, रिपोर्ट का नाम है द 22 ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स 2022 ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स, एडॉप्ट कितना एडॉप्ट हम कर रहे हैं, एडिशन तीसरा दोस्तों, ये तीसरा एडिशन, ठीक है। और यहां पर अगर आगे बढ़े हम तो क्या बोला गया है कि वियतनाम इज रैंक फर्स्ट इन क्रिप्टो करेंसी एडॉप्शन फॉर द सेकेंड कंसेक्यूटिव ईयर विद एन ओवरऑल इंडेक्स रैंकिंग ऑफ 1, ठीक है। तो यहां पर क्या बोला गया कि क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स के मामले में वियतनाम जो है वो नंबर 1 पर है, ठीक, और वियतनाम का स्कोर बताया गया कि 1 है, कुछ स्कोर होगा 1 बताया गया, और लगातार दूसरे साल ऐसा हुआ कि वियतनाम ने टॉप किया, ठीक है। नंबर 2 की बात करेंगे गाइस, तो नंबर 2 पे कौन है, देखिए यहां पे तो वियतनाम इज फॉलोड बाय द फिलीपींस, यानी फिलीपींस नंबर 2 पे है, ठीक, और नंबर 3 पे यूक्रेन है, यूक्रेन है, और नंबर 4 पे कौन है, नंबर 4 पे इंडिया है आपका, ठीक। तो गाइस हम लोग क्या बात कर रहे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स 2022 की, तीसरा एडिशन था ये, और इस बार ये बताया गया कि वियतनाम ने लगातार दूसरे साल टॉप किया है, नंबर 2 पे फिलीपींस है और नंबर 3 पे यूक्रेन है, इंडिया नंबर 4 पर स्टैंड कर रहा है, ठीक है, इस समय इंडिया। तो आपको हम लिस्ट दिखा रहे हैं टॉप 5 की, तो वियतनाम दोस्तों नंबर 1 पर है विद स्कोर 1, फिलीपींस नंबर 2 पे है, यूक्रेन नंबर 3 पे है, इंडिया नंबर 4 पे है और US नंबर 5 पे है। और ये पांचों देश किस लिए हैं दोस्तों, क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स, यानी किस देश के नागरिक कितना ज़्यादा अडॉप्ट कर रहे हैं क्रिप्टो करेंसी, मतलब निवेश कर रहे हैं। तो ये हमारी पहली इन्फॉर्मेशन थी, आई होप कि आपको पहली इन्फॉर्मेशन क्लियर हो चुकी होगी हम क्या यहाँ पे पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारी पहली इन्फॉर्मेशन थी, फिर से एक बार देख लो आप लोग क्या हमने पढ़ा यहाँ पे, ठीक, 22 ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स, तीसरा एडिशन था दोस्तों ये, वियतनाम ने टॉप किया लगातार दूसरी साल और वियतनाम का स्कोर है 1, वियतनाम के बाद नंबर 2 पे फिलीपींस है, नंबर 3 पे यूक्रेन है और नंबर 4 पर इंडिया है और नंबर 5 पे US है। तो ये आपके सामने टॉप 5 कंट्रीज की लिस्ट यहाँ पे मिल गई, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे न्यूज़ नंबर 2 की, और न्यूज़ नंबर 2 जो हमारा है वो है अपॉइंटमेंट और रिज़ाइन का, ठीक, जहाँ पर पहली इन्फॉर्मेशन के लिए हम जा रहे हैं, और पहली इन्फॉर्मेशन थोड़ी बड़ी इन्फॉर्मेशन है, इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट है। यहाँ पर हम क्या बात करेंगे, यहाँ पर हम यूनिसेफ की बात करेंगे, ठीक है। यूनिसेफ, यूनिसेफ एक ऑर्गेनाइजेशन है जो चाइल्ड राइट्स के लिए काम करता है, और हेडक्वार्टर कहाँ पर इसका है, न्यूयॉर्क में। तो क्या बताया गया है, युगांडा की यूथ क्लाइमेट एक्टिविस्ट, युगांडा देश है, उनकी युवा जलवायु कार्यकर्ता वैनेसा नकाटे, ठीक, इन्हें यूनिसेफ ने अपना गुडविल एम्बेसडर अपॉइंट किया, ठीक है। फिर देख लें एक बार, युगांडा की युवा जलवायु कार्यकर्ता है, नाम है वैनेसा नकाटे, इन्हें यूनिसेफ ने अपना सद्भावना दूत अपॉइंट किया, यूनिसेफ ने अपना गुडविल एम्बेसडर अपॉइंट किया है। तो एक पॉइंट, ये काफी बड़ी इंफॉर्मेशन है और एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। गुडविल एम्बेसडर की बात कर रहे हैं, यूनिसेफ की बात कर रहे हैं, किसे बनाया गया, वैनेसा नकाटे। ये क्या है बेटा, ये क्लाइमेट एक्टिविस्ट है, ठीक है। पूरी इन्फॉर्मेशन के लिए हम आगे बढ़ते हैं, देखिए यहाँ पे तो यूनिसेफ ने अपॉइंट किया है वैनेसा नकाटे को, ठीक, 25 साल की हैं और ये क्लाइमेट एक्टिविस्ट हैं, युगांडा से बिलोंग करती हैं, इन्हें यूनिसेफ ने अपना गुडविल एम्बेसडर अपॉइंट किया है। तो ये देख लीजिएगा, यूनिसेफ का अपना हेडक्वार्टर कहाँ पे है, न्यूयॉर्क में है, ये भी याद रखिएगा। अक्सर बच्चे यूनिसेफ और यूनेस्को में कन्फ्यूज हो जाते हैं,
यूनिसेफ का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है, यूनेस्को पेरिस में, दोनों ठीक है। मैं भी जब आपकी तरह विद्यार्थी था तो मैं हमेशा इसमें कन्फ्यूज रहता था कि यूनिसेफ कहाँ पे, यूनेस्को कहाँ पे, इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ यूनिसेफ न्यूयॉर्क, यूनेस्को पेरिस में, ठीक है। तो ये हमारे सामने पहली इन्फॉर्मेशन अपॉइंटमेंट की, बड़ी इन्फॉर्मेशन है। हम युगांडा की बात कर रहे हैं, युगांडा की क्लाइमेट एक्टिविस्ट नाम क्या है, वैनिसा नकाटे। तो यूनिसेफ ने इन्हें अपना गुडविल एम्बेसडर अपॉइंट किया है। तो एक पॉइंट दोस्तों ये हमारा हो गया यूनिसेफ। तो यूनिसेफ का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है दोस्तों, ठीक। एस्टैब्लिशमेंट ईयर 1946, मेंबर 192, मेंबर 192। और यूनिसेफ के डीजी कौन है, तो ये है कैथरीन एम रसेल, इनका भी नया अपॉइंटमेंट है। कैथरीन एम रसेल, इनका नाम भी याद कर लीजिएगा, ये न्यू अपॉइंटमेंट है, ठीक। तो एक इन्फॉर्मेशन ये कंप्लीट होती है, हम आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर हम क्या बात करेंगे, तो रिसेंटली अपॉइंटमेंट ऑफ बाय यूएन और इट्स एजेंसीज। तो यूनाइटेड नेशन लेवल पर कुछ अपॉइंटमेंट हुए, उसकी बात करेंगे, हम पीछे से रिवाइज करेंगे, ठीक है। देखिए दोस्तों, वोल्कर टुर्क ऑस्ट्रिया से बिलोंग करते हैं, मैंने पढ़ाया था। इन्हें यूनाइटेड नेशन हाई कमीशन फॉर ह्यूमन राइट का क्या बनाया गया था, सेक्रेटरी जनरल बनाया गया था, ठीक है, याद है ना, यूनाइटेड नेशंस हाई कमीशन फॉर ह्यूमन राइट, वोल्कर टुर्क ऑस्ट्रिया से बिलोंग करते हैं, ठीक। अल्केश कुमार शर्मा, ये हमारे देश के सेक्रेटरी हैं, ठीक। अल्केश कुमार शर्मा को अपॉइंट किया गया है पैनल ऑफ एमिनेंट एक्सपर्ट ऑन इंटरनेट गवर्नेंस। यूनाइटेड नेशन का एक पैनल बना है, उसमें एज अ मेंबर अल्केश कुमार शर्मा अपॉइंट हुए हैं और एक्सपर्ट ऑन इंटरनेट गवर्नेंस। और देखें दोस्तों, सिमोन स्टिल को चीफ ऑफ द यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क, आप इसे क्या बोलते हो, UNFCCC बोलते हो आप इसे, है ना, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज के हेड बने हैं दोस्तों। रियर एडमिरल गुलेर्मो पैब्लो रियोस अर्जेंटीना से बिलोंग करते हैं, इन्हें हेड अपॉइंट किया गया है यूनाइटेड नेशन मिलिट्री ऑब्जर्वर ग्रुप इन द इंडिया एंड द पाकिस्तान, आपको याद होगा मेरे ख्याल से, है ना। और देख लेते हैं, लेफ्टिनेंट जनरल मनोज सुब्रमण्यम, ठीक, इन्हें न्यू फोर्स कमांडर ऑफ द यूनाइटेड नेशन मिशन इन साउथ सूडान, इन्हें अपॉइंट किया गया था। रुचिरा कंबोज, ये भारत के लिए परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव बनी है यूएन में, ये भी मैंने आपको पढ़ाया था, ठीक दोस्तों। तो बहुत सारे पॉइंट हैं, आपके पास पीडीएफ आएगी, इसे रिवाइज कर लीजिएगा, काफी अच्छा रिवीजन आपका यहां पे हो जाएगा, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे इस बात करेंगे न्यूज नंबर 2 इन अपॉइंटमेंट, और यहां पर हम बात करेंगे बैंक लेवल की इंफॉर्मेशन की। देखिए तो इंडसइंड बैंक ने अपने MD CEO सुमंत कठपलिया को दोबारा से 3 साल के लिए क्या बना दिया है, MD & CEO बना दिया है, ठीक दोस्तों। एक बात और आपके लिए, तो एक बार ध्यान देना, अभी आप लोग बैंक एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, और बैंक एग्जाम के बाद क्या होता है कि आपका जब सिलेक्शन होता है तो प्रमोशनल और सैलरी इंसेंटिव के लिए आप लोग जैप कैप का एग्जाम देते हैं। तो अनअकैडमी बहुत जल्दी जैप कैप का कोर्स ला रही है, ठीक है, और मजे की बात है कि हम ही लोग उसमें मिलेंगे आपको एक बार फिर से, ठीक। चलो उसके बारे में हम बात कर लेंगे डिटेल में, अब बात कर लेते हैं। तो इंडसइंड बैंक ने सुमन कठपलिया को अपना MD CEO फिर से अपॉइंट किया है, और वो भी 3 साल के लिए, ठीक है। देखिए इन्फॉर्मेशन दोस्तों, इंडसइंड बैंक नाम आपने सुना होगा, तो इंडसइंड बैंक हमारे देश का प्राइवेट बैंक है, ठीक। इसने रीअपॉइंट किया सुमन कठपलिया को, ठीक, अपना MD & CEO फॉर द 3 ईयर, ठीक। तो सुमन कठपलिया, अब ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो चुके हैं, तो 3 साल के लिए दोबारा से ये MD CEO बने हैं इंडसइंड बैंक के। तो एक इंफॉर्मेशन ये, ठीक दोस्तों, अबाउट इंडसइंड बैंक। इंडसइंड बैंक का एस्टैब्लिशमेंट ईयर 1994, हेडक्वार्टर पुणे दोस्तों, CEO MD सुमन कठपलिया, चेयरमैन अरुण तिवारी जी हैं, एंड टैगलाइन इज वी मेक यू फील रिचर, वी मेक यू फील रिचर। इंडसइंड बैंक की बात यहां पे हम कर रहे हैं, ठीक। तो ये हो गया दोस्तों पॉइंट, आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट इंफॉर्मेशन, CSB बैंक, ठीक। मैंने पहली बार इस बैंक को देखा था गाजियाबाद में, मैं गाजियाबाद पढ़ाने गया था, पहले मैं ऑफलाइन पढ़ता था, तो मैंने इस बैंक को देखा। तो दैट टाइम पर इस बैंक का नाम क्या था, दैट टाइम उस बैंक का नाम था कैथोलिक सीरियन बैंक, कैथोलिक सीरियन बैंक। अब क्या नाम हो गया इसका, शॉर्ट कर दिया गया CSB बैंक, ठीक। तो कैथोलिक सीरियन बैंक ने या CSB बैंक ने मिस्टर प्रलय मंडल को अपना CEO अपॉइंट किया है, अपना नया CEO। प्रलय मंडल जो थे ये इसके पहले एक्सिस बैंक में काम कर रहे थे, ठीक। अब इनका मन एक्सिस बैंक नहीं लगा तो ये कहां पे आ गए हैं, ये आ गए CSB बैंक में, ठीक है। पूरी इंफॉर्मेशन देखिए दोस्तों यहां पे, तो CSB बैंक लिमिटेड हैज अनाउंस द अपॉइंटमेंट ऑफ द प्रलय मंडल एज द MD एंड द CEO ऑफ द बैंक फॉर अ पीरियड ऑफ 3 ईयर, ठीक। तो CSB बैंक ने प्रलय मंडल को अपना MD CEO अपॉइंट किया है, ये भी इनका 3 साल के लिए अपॉइंटमेंट है दोस्तों।
हो सकता हो कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि चाहे प्राइवेट बैंक हो चाहे सरकारी बैंक हो, ठीक है, एमडी सीईओ हो गए आपके या होल टाइम डायरेक्टर्स जो नहीं होते बोर्ड ऑफ मेंबर्स, इनका मैक्सिमम एज कितना होता है, कितना होता है, 70 साल। 70 साल से ऊपर नहीं कोई बन सकता है, याद रखना 70 साल मैक्सिमम, ठीक। अच्छा, मान लो कोई बड़ा डायनेमिक पर्सन हो जो 55-50 साल में ही एमडी सीईओ बन गया, ठीक है, मैक्सिमम 70 साल है, तो कितनी बार वो बन सकता है एमडी सीईओ? तो 3 बार, 5-5 साल के लिए, 5-5-5 मतलब 15 साल से ऊपर आप अपॉइंट नहीं हो सकते हो, ये भी याद रखना। और ये भी करंट अफेयर्स ही पढ़ा रहा हूं मैं आपको, ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के कुछ नोटिफिकेशन अपडेट हैं जो मैं बता रहा हूं आपको, ठीक है, इसे भी याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर हम बात कर रहे थे सीएसबी बैंक की। देखो, प्रायर टू ज्वाइनिंग सीएसबी बैंक मोंडल वॉज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एंड हेड ऑफ द रिटेल बैंकिंग ऑफ एक्सिस बैंक। तो यहां पर यह बताया गया कि प्रणव मोंडल इससे पहले एक्सिस बैंक में थे, वहां पर ये एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थे और रिटेल बैंकिंग को लीड कर रहे थे, और अब ये सीईओ बन गए हैं कहां पे, कहां पे, कहां पे, कैथोलिक सीरियन बैंक, सीएसबी बैंक, ठीक है। तो एक पॉइंट दोस्तों हमारे सामने हो गया, याद रख लीजिएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आपसे नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन की। तो रिसेंटली अपॉइंटेड एमडी एंड सीईओ, यहां पर एक लिस्ट आपको दी गई है। जैसे गाइस अगर हम बात करें तो यहां पर डीसीबी बैंक है, तो डीसीबी बैंक के एमडी सीईओ मुरली नटराजन, ठीक, और यहां हम क्या पढ़ रहे थे, सीएसबी बैंक पढ़ रहे थे। तो सीएसबी बैंक नाम में तुम लोग कंफ्यूज मत हो जाना जी, ठीक। अक्षय विधानी यशराज फिल्म्स के बने एमडी सीईओ, जसलीन कोहली डिजिट इंश्योरेंस की बनी एमडी सीईओ, हम लास्ट से आते हैं, ठीक है, लास्ट से आते हैं। तो समीर खेत्रपाल ये जुबिलेंट फूड वर्क लिमिटेड के एमडी सीईओ बने हैं। कृष्णन शंकर सुब्रमण्यम ये तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक के। संतोष अय्यर मर्सिडीज बेंज के। दीपक कुमार लल्ला एसबीआई सिक्योरिटीज। महेंद्र एन शाह ये आईडीएफसी लिमिटेड के बने थे एमडी सीईओ। विजय शेखर शर्मा पेटीएम के लिए अपॉइंट हुए थे, ठीक। अनुज पुद्दार बजाज इलेक्ट्रिकल्स। इंद्रजीत कमोटा यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, देख लेना इसे, आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। तो ऐसे पॉइंट हैं दोस्तों, आराम से रिवाइज कर लीजिएगा। हम आगे बढ़ते हैं, तो हमारा ये सेगमेंट खत्म होता है, ठीक। यानी हमने करंट अफेयर्स में भी क्या पढ़ लिया, बहुत सारे बच्चे नए हमसे जुड़े होंगे, तो हमने पहली इंफॉर्मेशन क्या बात की दोस्तों, रिपोर्ट इंडिसेस की। जहां पे हमने क्या बात की आपसे, तो जहां पे हमने बात की इन टर्म्स ऑफ द क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स, यानी क्रिप्टो करेंसी एडॉप्शन इंडेक्स में वियतनाम ने टॉप किया है, नंबर 2 पे फिलीपींस था, नंबर 3 पे यूक्रेन था और नंबर 4 पे इंडिया था। लगातार दूसरे साल वियतनाम ने टॉप किया है, ठीक है, हमने यही पढ़ा कि यहां पे देख लीजिए, ठीक, ये पूरी लिस्ट तक हमने। 5वां यूएसए है। फिर हमने क्या पढ़ा आपको दोस्तों, हमने पढ़ाया युगांडा की यूथ क्लाइमेट एक्टिविस्ट, नाम है वेनेसा नकाटे, इन्हें यूनिसेफ ने अपना गुडविल एम्बेसडर अपॉइंट किया है, ठीक है, क्लियर हमको ये चीज। फिर हमने क्या पढ़ा दोस्तों, हमने पढ़ा इंडसइंड बैंक ने सुमन कटबलिया को अपना एमडी सीईओ फिर से अपॉइंट किया 3 साल के लिए। फिर हमने क्या पढ़ा, सीएसबी बैंक ने प्रलय मंडल को जो कि पहले एक्सिस बैंक में काम कर रहे थे, इनको 3 साल के लिए अपना सीईओ अपॉइंट किया, एमडी सीईओ अपॉइंट किया, ठीक है, वो देख लीजिए। फिर हमने क्या पढ़ाएगी, अब हम पढ़ेंगे बैंकिंग फाइनेंस और इकॉनमी, हमारा नेक्स्ट सेगमेंट दोस्तों। चलिए, तो पहला पॉइंट हमारे पास क्या है, हम वो देख लेते हैं। तो पहले पॉइंट की बात करेंगे जो कि नेगेटिव शुरुआत हमारी हो रही है, हम बात करेंगे भारत की ग्रोथ रेट के बारे में। भारत की ही एक एजेंसी है इंडिया रेटिंग्स। दोस्तों मेरे हिसाब से अगर आप लोग 5-6 दिन 10 दिन 15 दिन से आ रहे हैं क्लास में, तो जरूर आपने फिच का नाम सुना होगा, फिच फिच FITCH, फिच रेटिंग एक दुनिया की बहुत बड़ी ग्लोबल रेटिंग कंपनी। तो फिच रेटिंग ने इंडिया में भी अपनी कंपनी खोली है, इंडिया रेटिंग्स। तो इंडिया रेटिंग्स जो कंपनी है, इंडिया रेट, ये INDRA लिखा है, इंडिया रेटिंग्स, ये फिच के अंडर में काम करती है, ठीक है। तो इंडिया रेटिंग्स क्या बोला, इंडिया रेटिंग ने लोअर कर दिया है इंडिया GDP ग्रोथ फोरकास्ट फॉर फाइनेंशियल ईयर 23 फ्रॉम 7% टू 6.9%, ठीक है। देखो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब 2022-23 जिसमें आप लोग रह रहे हो, ठीक है, तो इंडिया रेटिंग के हिसाब से, इंडिया रेटिंग के हिसाब से भारत की ग्रोथ रेट जो है वो 7% से बढ़नी थी, ठीक, लेकिन अब इसे 6.9% कर दिया है इंडिया रेटिंग्स ने, ड्यू टू रीजन ऑफ द इन्फ्लेशन एंड द अनसर्टेनिटी इन द इंटरनेशनल मार्केट ड्यू टू रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है दोस्तों। तो पूरी इंफॉर्मेशन यहां पर देख सकते हैं आप लोग। तो इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च, तो इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च ये फिच की कंपनी है भारत में, ठीक है। इसने क्या बोला है कि भारत का जो ग्रोथ रेट है बेटा वो 7% पहले बोला गया था, जो कम होके 6.9 कर दिया गया है फॉर द फाइनेंशियल ईयर 22-23,
तो इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च ने भारत की ग्रोथ रेट को 7% से कम करके 6.9% कर दिया है। रीजन क्या उसके पीछे, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च ये फिच के अंडर में काम करती है। क्या दोस्तों आपको इंफॉर्मेशन क्लियर है? बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं पीडीएफ के बारे में। देखिए दोस्तों, आप जब ये वीडियो खत्म करोगे ना, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा टेलीग्राम लिंक मिल जाएगा, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम पर आपको डेली पीडीएफ मिल जाते हैं हमारे, ठीक है, देख लेना दोस्तों। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे तो हमने आपको इधर बीच रिवाइज करवाया है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मॉर्गन स्टैनली ने भी भारत की ग्रोथ रेट को 7 कर दिया है दोस्तों। अच्छा, और देखिए यहां पर क्या बोला गया है, इन्वेस्टमेंट इंफॉर्मेशन एंड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, इसने क्या बोला है, इसने बोला है अप्रैल जून की बात करें तो भारत की ग्रोथ रेट 13% बढ़ी है, केवल अप्रैल जून की बात करें तो 13%, ठीक। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपने रिपोर्ट में सेम अप्रैल टू जून के लिए क्या बोला है, 15.7% बोला है, 15.7%, ठीक है। और देखिए यहां पे मूडीज ने क्या बोला है, ये 21-22 के लिए, ये 21-22 के लिए 7.7%। गोल्डमैन सैक्स ने 7 बोला हुआ है 22 के लिए, और 22-23 के लिए 7 इसने बोला हुआ है। इन दोनों में डिफरेंस क्या है पता है, इन दोनों में ये हम बात कर रहे हैं जैन टू लेके दिसंबर तक, और ये हम बात कर रहे हैं फाइनेंशियल ईयर की। फिच रेटिंग की बात कर लें, फॉर द फाइनेंशियल ईयर 23 7% एंड फॉर द फाइनेंशियल ईयर 24 6.7%। ये मैंने अभी रिसेंटली पढ़ाया है आपको, तो ये आप रिवाइज कर सकते हैं आपके अपने एग्जाम के लिए, ये आप अपने एग्जाम के लिए रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है। जिनके एग्जाम्स नहीं है वो जानने छोड़ दें, हम आगे बढ़ेंगे और दोस्तों नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन की बात करेंगे। फिर से एक इन्फॉर्मेशन, यहां पर क्या बोला गया, यहां बोला गया है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अलाउ कर दिया है BBPS। तो BBPS का फुल फॉर्म क्या है गाइस, तो BBPS, जिन बच्चों ने मेरा पेड कोर्स ज्वाइन किया हुआ है बैंकिंग फाइनेंशियल अवेयरनेस का, वो जानते होंगे डिजिटल बैंकिंग क्लास में मैंने आपको भारत बिल पेमेंट सिस्टम पढ़ाया है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अलाउ कर दिया है भारत बिल पेमेंट सिस्टम टू प्रोसेस क्रॉस बॉर्डर इनबाउंड रेमिटेंस। देखिए फाइनेंशियल न्यूज की बात करें तो ऐसी इंफॉर्मेशन सुनने में हमें बहुत टफ लगती है कि क्या बोल दिया, क्या ही बोल दिया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने, कुछ हो समझ में नहीं आया। कोई बात नहीं, डोंट फियर, आई एम हियर। तो इसका मतलब दोस्तों क्या है, हम समझते हैं थोड़ा सा। अगर आप करंट अफेयर्स पढ़ते हैं, मुझसे पढ़ते हैं, किसी और से पढ़ते हैं, अगर आप पढ़ते हैं, तो आपको कुछ दिन पहले हमने पढ़ाया था कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने NRI, जो नॉन रेसिडेंट इंडियंस हैं, जो देश के बाहर रहते हैं, हाँ, अब हो सकता होगा इस, जैसे मान लो कोई NRI है जिसने नोएडा में एक फ्लैट खरीदा हुआ है फॉर एग्जाम्पल, या उसका बिजनेस है कोई, उसका कोई NRI बिजनेसमैन है भारत में, गुड़गांव में उसका ऑफिस है। अब जब बेटा ऑफिस है तो उसने इंटरनेट कनेक्शन लिया होगा, उसने DTH लगवाया होगा, उसने पानी कनेक्शन लिया होगा ना, तो इन सब का बिल उसे पे करना पड़ेगा ना। तो कुछ दिन पहले की बात है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने NRI को अप्रूवल दे दिया था कि आप भारत बिल पेमेंट सिस्टम का यूज करके इंडिया में पेमेंट आप कर सकते हो। ये वही इंफॉर्मेशन है, बस लैंग्वेज को टफ कर दिया गया, ठीक है। आइए आपको समझाते हैं क्या इंफॉर्मेशन है, देखिए क्या हम बोल रहे हैं यहां पे, देखिए पूरी इंफॉर्मेशन। ये इंफॉर्मेशन थोड़ी टफ लग रही है आपको, एक बार पढ़ लेते हैं, ठीक है, देखिए पढ़ते हैं। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने डिसाइड कर लिया है कि वो अलाउ कर रहे हैं फॉरेन इनवर्ड रेमिटेंस। दोस्तों क्या लिखा हुआ है, फॉरेन इनवर्ड रेमिटेंस का मतलब क्या होता है, मतलब विदेशों से जो पैसा है वो आपके देश इंडिया में आ रहा है, उसकी हम बात करना, ठीक है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने डिसाइड कर लिया कि वो अलाउ कर देंगे फॉरेन इनवर्ड रेमिटेंस रिसीव अंडर द रुपी ड्रॉइंग अरेंजमेंट, ठीक, सुन लो फिर से, रिसीव अंडर द रुपी ड्रॉइंग अरेंजमेंट टू बी ट्रांसफर्ड टू द KYC कंप्लियंट बैंक अकाउंट ऑफ द बेनिफिशियरी थ्रू द भारत बिल पेमेंट सिस्टम। इतना लंबा चौड़ा बोलने की क्या जरूरत थी, ठीक है, ये कुछ है नहीं, बहुत सिंपल चीज है, केवल इतना लंबा चौड़ा नाम लिख के आपको डराया जा रहा है यहां पे, ठीक है। देखिए पहले बात करते हैं KYC कंप्लियंट बैंक अकाउंट की, ठीक है दोस्तों, बहुत सिंपल सी बात है। देखो तो ये इंफॉर्मेशन में क्या बोला जा रहा है, देखो जैसे मान लीजिए हम आपकी बात करते हैं, आप मान लीजिए USA में रहते हैं, ठीक है दोस्तों, और आपने क्या किया हुआ है, आप इंडिया में आए और आपने एक बिजनेस इंडिया में खोल लिया, ठीक है, मान लीजिए नोएडा में आपका ऑफिस है दोस्तों, ठीक है। मैं अपनी बात करता हूं, मेरी कंपनी है इंटरनेट की, नाम है मान लीजिए फ्यूजन नेट इन नोएडा में, बड़ी अच्छी कंपनी है। आपने मेरा कनेक्शन लिया दोस्तों, ठीक है, तो आपने मेरा कनेक्शन लिया,
अब फ्यूजन जो कंपनी है मेरी, तो भाई मैं भी तो आपसे पेमेंट लूंगा, तो मेरा कोई अकाउंट होना चाहिए। कहाँ पे? वाले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में मेरा अकाउंट है भाई। सिंपल सी बात है, जैसे आप लोग जब फॉर्म भरते हो IBPS का, तो आप जब पेमेंट करते हो तो इसका मतलब वो कहीं ना कहीं किसी अकाउंट में जाएगा ना। जब आप लोग रेलवे में लेते हो वो रिजर्वेशन, तो आप जब रेलवे को पे करते हो पैसा, तो रेलवे का भी कोई अकाउंट होगा ना, वहाँ जाकर पैसा। सेम वही बात हो रही है। तो भाई मेरा अकाउंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में है, तो आप बैठे हो USA में, तो अब आप क्या कर सकते हो, आप भारत बिल पेमेंट सिस्टम का यूज़ करके पैसा मुझको भेज सकते हो। दोस्तों अब आपको पता ही है कि जब भी कोई व्यक्ति इंडिया में अकाउंट खोलता है तो उसे अपना KYC देना पड़ता है। आपको पता होना चाहिए KYC का मतलब क्या होता है। तो KYC का मतलब होता है नो योर कस्टमर, यानी कि जब हम अपने बैंक को अपना ID प्रूफ, एड्रेस प्रूफ देते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, KYC बोलते हैं। अगर किसी अकाउंट में KYC नहीं है, तो उस अकाउंट से फॉरेन रेमिटेंस हो ही नहीं पाएगा, ना पैसा जा पाएगा विदेश में, ना आ पाएगा। तो कहने का मतलब यह है इस टफ लैंग्वेज का कि मतलब भाई इस व्यक्ति का, कंपनी का KYC होना चाहिए, ठीक है। तो आप मुझे भारत बिल पेमेंट सिस्टम के थ्रू पैसा इंडिया भेज सकते हो, तो ये इनवर्ड रेमिटेंस हो गया, ठीक। और KYC का मतलब क्या कि मेरा जो अकाउंट है वो ये वाला होना चाहिए, KYC होना चाहिए उसमें, बस यही बोला गया। तो बहुत टफ लैंग्वेज कर दी गई है, हम सिंपल कर रहे हैं इसे। इसमें स्विफ्ट से मतलब ही नहीं कोई, आप अपना नंबर मत दिखाइए, हम यहां पर बात कर रहे हैं। एक्चुअली पहले क्या था, पहले जो फॉरेन के लोग थे कंपनी, अगर उन्हें इंडिया में पैसे भेजने थे तो उनके पास ऑप्शंस क्या आते, NEFT था या कुछ और ऑप्शंस जो उनके अपने होंगे। तो कहने का मतलब कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने भारत बिल पेमेंट सिस्टम को इंटरनेशनली करने के लिए काम किया है बस, ठीक है। तो यही चीज़ें हैं जो मैं सिंपल भाषा में आपको समझा रहा हूँ। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने भारत बिल पेमेंट सिस्टम के थ्रू NRI को इंडिया में पेमेंट करने के लिए अप्रूवल दे दिया है, यही पॉइंट है बस आपका, ठीक है। और इसमें कुछ पढ़ना नहीं है आपको। ठीक है, अब देखिए यहां पे दोस्तों, अब क्या बोला गया है, द डायरेक्शन हैज बीन इशूड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अंडर सेक्शन 10, ठीक, एंड सेक्शन 11 ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999। तो यहां पे क्या बोला गया है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो डायरेक्शन इशू किया है वो अंडर सेक्शन 10 एंड सेक्शन 11 ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के अंतर्गत किया है, ये भी याद रख लीजिएगा, ठीक है। एक पॉइंट ये है हमारा दोस्तों। दोस्तों आपको मेरी बात समझ में आई, बहुत सारे नए बच्चे होंगे इसलिए मैं पूछना बार से आपसे, भारत बिल पेमेंट सिस्टम ये हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का NPCI का एप्लीकेशन है, जिसके थ्रू आप अपने बिल्स का पेमेंट कर सकते हो। बिल का मतलब गाइस, जैसे आप पानी का बिल हो गया आपका, वाटर बिल हो गया आपका, बिजली का बिल हो गया आपका, गैस का बिल हो गया आपका, है ना। तो इन सब एप्लीकेशन पे आपको ऑप्शंस मिल जाते हैं, आप आराम से पेमेंट कर सकते हो, ये उसी की बात हो रही है हमारी, ठीक। दोस्तों मेरी बात समझ में आई, ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो आई होप कि आपको ये चीजें क्लियर हो गई, ये याद कर लेना सेक्शन 10 एंड सेक्शन 11। दोस्तों आगे बढ़ेंगे, तो यहां पे क्या बोला गया, तो करंटली फॉरेन इनवर्ड रेमिटेंस, यानी जो पैसा आता है विदेशों से, रिसीव अंडर द RDA अरेंजमेंट कैन बी ट्रांसफर टू द KYC कंप्लायंट बेनिफिशियरी बैंक अकाउंट थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड सच एज NEFT, IMPS, ये सब। तो वही बोला गया कि आज के टाइम पर जो पैसा हमारे देश में आता है वो थ्रू NEFT या थ्रू IMPS आता है अकाउंट में। तो मतलब इसमें एक ऑप्शन और ऐड करने के लिए भारत बिल पेमेंट सिस्टम को अलाउ किया गया है, ठीक है। बहुत सिंपल सी इन्फॉर्मेशन है, यहाँ पर लिखा बहुत टफ लैंग्वेज में है, लेकिन मैंने सिंपल कर दिया। आप बस इतना समझ लो कि यह फॉरेनर भी हैं, जो फॉरेन में बैठे हुए जो इंडिया में अपना बिल पे करते हैं, वो भारत बिल पेमेंट सिस्टम के थ्रू अपने बिल्स का पेमेंट कर सकते हैं, बस यही मतलब है इसका, ठीक है। और कोई इन्फॉर्मेशन इसमें एक्स्ट्रा है नहीं, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, दोस्तों तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, एक बार आप लोग मुझसे कंप्लेन कर रहे थे कि सर आप चीज़ों करेक्ट नहीं करते हो आप, है ना। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का एस्टैब्लिशमेंट हिल्टन यंग कमेटी के रिकमेंडेशन पे हुआ था, हिल्टन यंग कमेटी के रिकमेंडेशन पे, ठीक। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का पहले एक्ट आया था, और वो कब आया था, 1934 में आया था, ठीक। उसके बाद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश हुई, तो जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश हुई तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की इनिशियल कैपिटल 5 करोड़ रुपए थी, याद रखिएगा, ठीक है, 5 करोड़ रुपए। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक शेयर होल्डर बॉडी थी, शेयर होल्डर मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी एक प्राइवेट बॉडी थी, ठीक है, याद रखिएगा।
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर पहले था कलकत्ता में था, ठीक। 1937 में ये चेंज हुआ और कहाँ पहुंच गया, मुंबई पहुंच गया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में हमेशा एक होते हैं गवर्नर, शक्तिकांत दास जी 25वें गवर्नर हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के, ठीक है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर का कार्यकाल 3 साल होता है, 3 साल, ठीक। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं, तो डिप्टी गवर्नर कौन कौन से, रविशंकर जी हैं, राजेश्वर राव जी हैं, डॉक्टर एम डी पात्रा जी हैं और एम के जैन जी हैं, 4 होते हैं, ठीक है। इनका भी कार्यकाल 3 साल का होता है, ठीक है। कोई 5 साल बोले तो उसे मार देना तुरंत एक झापड़ कि, मतलब कोई लड़का बोले, टीचर नहीं, हाँ कोई लड़का बोले तो पकड़ देना उसे, मतलब 5 साल नहीं 3 साल ही होता है, ठीक है। तो 3 साल होता है, इसे याद रखेगा, ठीक दोस्तों। अब आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे आपसे नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन की। अब नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन क्या है हमारे सामने, रिविजन पॉइंट हमारे सामने, ठीक है। देखिए दोस्तों, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अप्रूवल दे दिया है ओपन कंपनी को, कैश फ्री कंपनी को, पे नियर बाई को और फेयर एक्सपे को, ठीक। प्रोवाइडर्स ऑफ पेमेंट एंड एपीआई बैंकिंग सॉल्यूशन फॉर इट्स क्रॉस बॉर्डर पेमेंट ऑफरिंग, ठीक है दोस्तों। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ओपन, कैश फ्री, पे नियर बाई और फेयर एक्सपे, इनसे बोल दिया है कि आप लोग भी अब क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन कर सकते हो, यानी आप लोग भी कुछ ऐसे एप्लीकेशन बना सकते हो जिसके थ्रू आपके बिजनेसमैन, इंपोर्टर, एक्सपोर्टर जो हैं वो ट्रांजेक्शन कर सके। तो इनको भी क्रॉस बॉर्डर के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अप्रूवल दे दिया है, इन 4 कंपनी को, नाम याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट इंफॉर्मेशन की। हमारे सामने नेक्स्ट इंफॉर्मेशन क्या, देखिए क्या लिखा है, रिलायंस जनरल इंश्योरेंस पार्टनर विद द पेटीएम टू ऑफर द कस्टमाइजेबल हेल्थ कवर। देखो इतना टफ लिखा हुआ है, सिंपल कर दें तो सिंपल ये दोस्तों कि आप जब पेटीएम यूज करते हो तो पेटीएम पे आपको इंश्योरेंस का ऑप्शन मिलता है, तो जब उस पर क्लिक करते हो तो जिन जिन इंश्योरेंस कंपनी ने पेटीएम से टाई अप किया है उनके ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं। तो अब आपको रिलायंस जनरल इंश्योरेंस का भी ऑप्शन मिल जाएगा ऑन द पेटीएम एप्लीकेशन। तो पेटीएम एप्लीकेशन पे आप जाएं, इंश्योरेंस पे क्लिक करें तो अब आपको रिलायंस जनरल इंश्योरेंस पॉलिसीज के मिलेंगे, मतलब आप ऑनलाइन परचेस करो। इसमें पेटीएम का फायदा ये, पेटीएम विल बी एक्ट लाइक ब्रोकर, तो पेटीएम जस्ट लाइक ब्रोकर यहां काम करेगा, पेटीएम को कमीशन मिलेगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो ये पॉइंट आपके सामने है। तनुज नामदेव आज मयंक चौकसी का रूप ले चुके हैं और सबसे आज बात कर रहे हैं। यहां पे लास्ट कमेंट का है राइट सुनीता, भैया मयंक चौकसी एक ही इंसान है, उन्हें वही रहने दो, उनकी तरह ना बोलो तुम लोग। तनुज फोर्थ नेम, सुनीता तनुज के बीच में क्या वार्तालाप हो रही है, इन्हें क्लास नहीं पढ़नी है, तनुज को पढ़ना है सुनीता से और सुनीता को पढ़ना है तनुज से, दो लोग हैं क्लास में, आपस में पढ़ाई कर रहे हैं यहाँ पे, और कुछ नहीं है भाई, है ना। चलिए दोस्तों आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे आपसे नेक्स्ट पॉइंट की। तो ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया, तो बस आपको रिलायंस जनरल इंश्योरेंस और यहाँ पे पेटीएम के बारे में याद रखना चीज़ें, ठीक है। चलिए पेटीएम दोस्तों हेड नोएडा में इसका हेडक्वार्टर है, विजय शेखर शर्मा एमडी सीईओ पॉइंट हुए थे इसके, मैंने पढ़ाया था आपको, रिपॉइंट हुए थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, रिविजन पॉइंट अबाउट पेटीएम दोस्तों। तो पेटीएम ने अभी एक पार्टनरशिप की थी विद द पिरामल कैपिटल एंड हाउसिंग फाइनेंस, ठीक। पेटीएम ने अभी पार्टनरशिप की थी पिरामल कैपिटल एंड हाउसिंग फाइनेंस, ठीक। क्यों की थी, फॉर एक्सपेंडिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मर्चेंट लोन्स टू द स्मॉल सिटी एंड द टाउन। तो इसका मतलब यह है कि ये दोनों लोग मिलकर लोन बांटेंगे, छोटे छोटे शहरों में जो मर्चेंट हैं, दुकानदार, उनको लोन बांटेंगे। तो पेटीएम और पिरामल कैपिटल एंड हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, इसे भी याद रखिएगा, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे आपसे नेक्स्ट सेगमेंट की हमारे। अब हमारा जो नेक्स्ट सेगमेंट है वो कौन सा है, वो है एग्रीमेंट और एमओयूज का। तो एग्रीमेंट और एमओयूज में हमने क्या क्या पढ़ना है आप देखते हैं। पहली बात, तो पहली बात हम करेंगे इंडियन नेवी की और एमिटी यूनिवर्सिटी। तो एमिटी यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश। तो एमिटी के यहाँ पर दो कैंपस हैं, एक कैंपस लखनऊ में और एक कैंपस यहाँ नोएडा में, ठीक। तो क्या क्या बोला गया कि इंडियन नेवी ने एमिटी से एग्रीमेंट किया है। इसका मतलब क्या है दोस्तों, इसका मतलब है कि एमिटी यूनिवर्सिटी जो है वो इंडियन नेवी के जो एम्प्लॉई हैं और ऑफिसर्स हैं उनके लिए कस्टमाइज कोर्सेज बनाएंगी, और इंडियन नेवी के जो ऑफिसर्स हैं, जो एम्प्लॉई हैं, वो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पढ़ाई करेंगे। दोस्तों आपको शायद पता होगा, आपने देखा भी होगा कि बहुत सारे जो हमारे एक्स सर्विस मैन सर लोग होते हैं, मैडम लोग होते हैं, वो लोग तैयारी करते हैं बैंक की, क्योंकि उसमें एक एज के बाद आप जॉब नहीं करते हो, है ना। तो उस एज के बाद जो आप जॉब नहीं करते हो तो वो एज इतनी होती है कि आप 60 साल के नहीं होते हो, है ना।
35, 36, 37 ऐसे ही होता है। तो अगर ये कोर्स किए रहेंगे इंडियन नेवी के जो एम्प्लॉई हैं तो उन्हें आगे प्लेसमेंट में दिक्कत नहीं होती है, ठीक है। तो वही बात हो रही है यहाँ पे, देखिए। तो पूरा मुद्दा क्या है, देखिए यहाँ पे तो एक एग्रीमेंट साइन हुआ है बिटवीन द इंडियन नेवी एंड द एमिटी यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश, ठीक। तो यहाँ पे क्या बोला गया, एज पर द प्रोविजन ऑफ द एमएयू तो एमिटी यूनिवर्सिटी विल कंडक्ट कस्टमाइज कोर्सेज फॉर द इंडियन नेवी इन द निस्ट डोमेन लाइक 5G टेक्नोलॉजी, कंट्रोल सिस्टम इंटीग्रेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो ऐसे कुछ कोर्स होंगे। तो कहने का मतलब सिंपल भाषा में ये है कि एमिटी यूनिवर्सिटी इंडियन नेवी के एम्प्लॉय के लिए कोर्सेज डिजाइन करेंगे, ठीक है। कोर्सेज विल बी ऑन द 5G टेक्नोलॉजी, कंट्रोल सिस्टम इंटीग्रेशन, AI, उस पर कोर्स होगा, ठीक है। देखिए तो बस यही पढ़ना है आपको। तो इंडियन नेवी और एमिटी यूनिवर्सिटी इनके बीच में एग्रीमेंट साइन हुआ था, देख लीजिएगा। इंडियन नेवी के चीफ कौन है, आर हरि कुमार जी हैं, ठीक। ये सब आप भूल जाते हैं, इसे याद रखिएगा, ठीक है। आर हरि कुमार। चलिए गाइस आगे बढ़ेंगे। अब नेक्स्ट इंफॉर्मेशन, तो नेक्स्ट इंफॉर्मेशन क्या है दोस्तों, मतलब अगर आपने ध्यान दिया होगा कभी, जैसे आज से 5 साल 6 साल 10 साल पहले की बात है, नॉर्थ ईस्ट जो थे, इस जो प्लेस था, ये काफ़ी ज़्यादा अशांत एरिया था। नॉर्थ ईस्ट में जो भी स्टेट थे इनमें कई सारे उग्रवादी लोग काम कर रहे थे भारत के अगेंस्ट में, और हमेशा राइट्स, हमेशा झड़प, हमेशा कुछ ना कुछ होता ही था। लेकिन धीरे धीरे कंडीशन वहाँ पे सामान्य हुई हैं, जिस तरह से नई नई गवर्नमेंट आई है वहाँ पे और लोगों ने थोड़ा बड़ा दिल दिखाया है, अपने अपने डिस्प्यूट जो हैं वो एग्रीमेंट साइन किए हैं। फॉर एग्जांपल आपको मैंने पढ़ाया भी था कि असम ने कौन कौन सी स्टेट के साथ एग्रीमेंट साइन किया बॉर्डर डिस्प्यूट के लिए, है ना। तो काफ़ी वहाँ पर इस तरह काम हो रहा है। तो वहाँ के जो लोग हैं वो अपने ही लोग हैं यार, ये जो उग्रवादी हम बोलते हैं वो कौन होते हैं, अपने लोग ही होते हैं। इनको मारना या इन पर कुछ पनिशमेंट देना फोर्सफुली वो सही चीज़ नहीं है, ये अपने ही लोग हैं, है ना। तो देखिए यहाँ पे क्या बोला गया, तो सेंटर साइन थ्री पार्टाइट अग्रीमेंट, तीन पार्टी अग्रीमेंट विद द असम गवर्नमेंट एंड द 8 ट्राइबल ग्रुप्स एंड होम मिनिस्ट्री। तो मतलब कि थ्री पार्टाइट का मतलब यहाँ पे होम मिनिस्ट्री है, मतलब केंद्र सरकार के लिए होम मिनिस्ट्री है, असम गवर्नमेंट है और 8 तरह के ट्राइबल आदिवासी समूह हैं, ठीक है। पूरी इन्फॉर्मेशन देखो आप दोस्तों क्या बोला गया, तो द सेंटर एंड द असम गवर्नमेंट, ठीक, साइन अ ट्राइपार्टाइट अग्रीमेंट पीस अकॉर्ड विद द 8 ट्राइबल आउटफिट्स ऑफ असम इन द प्रेजेंस ऑफ द यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह जी। तो केंद्र सरकार, असम सरकार, ठीक, केंद्र सरकार की तरफ से हमारे गृहमंत्री जी थे, ठीक है, की उपस्थिति में असम के 8 आदिवासी संगठनों के साथ त्रिपक्षीय शांति समझौते पे एग्रीमेंट हुए। यानी ये जो 8 ट्राइबल आउटफिट हैं, मतलब जो ये 8 ट्राइबल कम्युनिटी हैं, इनका कहना ये था कि इनको असम में जो इनको चीज़ें मिलनी चाहिए, फैसिलिटीज़, वो नहीं मिलती हैं। इनको वहाँ पे गवर्नमेंट दबाती है और इनके बहुत सारे रिसोर्सेज जो हैं वो गवर्नमेंट ने एक्वायर कर लिए, ठीक है। तो इसलिए काफ़ी ज़्यादा ये लोग क्या थे, अशांत थे, बट अब शांति अग्रीमेंट हो गया है। दोस्तों देखो, अराउंड 1100 पीपल हैव assumed द पाथ ऑफ द वायलेंस विद द साइनिंग ऑफ दिस अग्रीमेंट। तो इस समझौते पर दस्तखत करने से करीब 1100 लोग जो हैं वो हिंसा का रास्ता छोड़ चुके हैं, ठीक है। मतलब 1100 लोगों ने अपने अपने जो हथियार दे होंगे वो सरेंडर कर दिए होंगे, ठीक। तो यही पॉइंट हमारे पास है, एक बार देखते हैं क्या मुद्दा पूरा है, देख लीजिए। तो केंद्र सरकार ने, मतलब होम मिनिस्ट्री ने, असम गवर्नमेंट ने और असम के 8 ट्राइबल कम्युनिटी ने आपस में एग्रीमेंट कर लिया पीस अकॉर्ड। इसका मतलब ये है कि असम गवर्नमेंट इन 8 जो ट्राइबल्स हैं इन्हें पहचान देगी, इनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई अब नहीं होगी और साथ ही साथ इनको समाज की मुख्यधारा में लाया जाएगा जॉब वॉब देकर, ये सब, ठीक है। इससे फायदा क्या होगा, असम में शांति बहाल होगी। 1100 लोगों ने सरेंडर कर दिया है और अब चीज़ें शांत हो गई हैं वहाँ पे, ठीक है। तो 8 ट्राइबल कम्युनिटी, असम गवर्नमेंट एंड होम मिनिस्ट्री, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे न्यूज़ की, नेक्स्ट न्यूज़ की, और यहाँ पर हम क्या बात करें, इंदौर। तो इंदौर टू बिकम द कंट्री फर्स्ट स्मार्ट सिटी विद डिजिटल एड्रेस, ठीक दोस्तों। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह कि इंदौर जो है वो हमारे देश का पहला शहर बन जाएगा जहां पे लोगों के डिजिटल एड्रेस होंगे, जियो टैग्ड। मतलब दोस्तों जैसे आज आप उबर यूज करते हो या ओला यूज करते हो, तो आपको जहां पे जाना है आप वहां का लोकेशन डालते हो, अगर वो जियो टैग है तो लोकेशन आ जाएगा, आप वहां पे चले जाओगे। तो हमने देखा कि जो हमारे शहर के मेन मेन स्थान हैं वो जियो टैग होते हैं, लेकिन हमारे आपके मकान जियो टैग थोड़ी ना होते हैं। अगर मैं आपका एड्रेस ढूंढूंगा तो नहीं मिलेगा मुझे। तो इंदौर पहला शहर बन गया है जहां पे मकान जियो टैग हो जाएंगे।
तो जियो टैग होने से क्या होता है कि आपकी वाला एड्रेस डालिए अपने अपने जीपीएस पर, जहां पर भी आपको एड्रेस मालूम चल जाए, मतलब उस एड्रेस पर चले जाओगे आप आराम से। तो अब आपके घर के एड्रेस भी डिजिटल हो गए हैं इंदौर में, ठीक है। पूरी इंफॉर्मेशन यहां पर देखिए क्या बात है। तो इंदौर सिटी ऑफ मध्य प्रदेश हैज साइंड एन एमओयू विद द फर्म पता नेविगेशन, ठीक है। तो इंदौर सिटी ऑफ मध्य प्रदेश ने पता नेविगेशन से अग्रीमेंट साइन किया है। पता मतलब एड्रेस, पता नेविगेशन टू इंप्लीमेंट अ फुल्ली डिजिटल एड्रेसिंग सिस्टम, फुल्ली डिजिटल एड्रेसिंग सिस्टम मेकिंग इट इज द फर्स्ट सिटी इंडिया टू डू सो। तो कहने का मतलब क्या है कि जो इंदौर है मध्य प्रदेश में शहर, उसके लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने एग्रीमेंट साइन किया विद द पता नेविगेशन, ठीक। और इससे क्या होगा, इससे पता नेविगेशन से इंदौर में जो लोग रहते हैं उनके एड्रेस को जियो टैग कर दिया जाएगा, तो आपका एड्रेस भी डिजिटल मिलेगा आपको अब गूगल पे। तो ये पॉइंट्स आपके सामने बताया जा रहा है, देख लीजिएगा। इससे सेफ्टी ब्रीच होगी ना सर? अब देखिए ऐसा है कि सबका मकान तो हो नहीं पाएगा, जो पढ़े लिखे लोग होंगे, फॉर एग्जाम्पल आप चाहें तो आज भी गूगल पे अपने एड्रेस को जियो टैग कर सकते हैं। हमने मुंबई में किया था जियो टैग अपने एड्रेस को, एक्चुअली वहाँ कैब नहीं मिलती थी। हमारा जो फ्लैट था वैसा था वो, मतलब थोड़ा सा अजीब सा था, वो कई सारे सड़क के बीच में था। जब भी हम कैब मंगाए हमें कैब ही ना मिले, तो हमने जियो टैग कर दिया था। ऑप्शन आपको मिलता है गूगल पे, आज भी मिलता है। तो सिक्योरिटी ब्रीच का मतलब क्या, पहले तो मुझे मालूम होना चाहिए कि आपका जो घर है वो मिल रहा है मुझे, उस पर मिल रहा है, ऑनलाइन मिल रहा है, ऐसा तो इन्फॉर्मेशन होती नहीं है, है ना। तो कहने का मतलब क्या है कि पहले तो यह है कि सबका होगा नहीं, जो लोग अवेयर हैं, जो लोग नॉलेजबल हैं उन वही कर पाएंगे, जो स्किल्स हैं। धीरे धीरे आगे मामला बढ़ेगा, जब तब तक ऐसा हो जाएगा कि इतनी महंगाई बेरोजगारी है कि कोई चोरी करेगा ही नहीं इसमें। फिलहाल अभी तो ये नहीं पता कि इससे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, वो आगे मालूम चलेगा हमें, ठीक है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं बात करते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन की। तो एज पर द एमओयू पता ऐप विल बी यूज बाई ऑल गवर्नमेंट एजेंसीज एंड इमरजेंसी सर्विस इंदौर। तो पता ऐप जो यूज होगा वो ऑल गवर्नमेंट एजेंसीज, तो स्टार्टिंग की बात है, तो स्टार्टिंग में पब्लिक का नहीं, स्टार्टिंग में सारी जो सरकारी एजेंसीज हैं उनका एड्रेस, ठीक है, इमरजेंसी सर्विस उनका एड्रेस, ये सब यहाँ पर पहले इनरोल होगा, उसके बाद मकान की बात आएगी, ठीक है। चलिए दोस्तों, तो यहाँ तक हमने आपको बता दी बात, आगे बढ़े और आगे बढ़ेंगे बात करेंगे मर्जर एक्विजिशन की। यहाँ पर मेरे पास मैसेज आ रहा है, अब नाम नहीं लूँगा, कि सर मैं आपको 1.5 साल से फॉलो कर रही हूँ आपको करंट अफेयर्स, और मेरा SBI एग्ज़ाम है, मैं कैसे तैयारी करूँ, मुझे समझ नहीं आता आप मुझे फॉलो करते हो तो मेरे क्लास की टाइमिंग क्यों मैसेज करते हो मुझे, है ना, मतलब क्लास की टाइमिंग पर ये वही लोग हैं। चलिए कोई बात नहीं, तो यहाँ पर हम नेक्स्ट पॉइंट क्या करेंगे, मर्जर एक्विजिशन की बात करेंगे। तो मर्जर एक्विजिशन में हमारे पास पहले इन्फॉर्मेशन, देखिए दोस्तों आपको याद होगा हमने पढ़ाया क्लास में आपको, ठीक है, कि आदित्य बिरला, देखो ADIA इन्वेस्टमेंट ऑफ रुपीज इतना अमाउंट इन द AB हेल्थ इंश्योरेंस अंडर द ग्रीन चैनल नोट, मतलब क्या इसका, मैं थोड़ा और इसे और वो करता हूँ। देखिए यहाँ पर दोस्तों ध्यान से, कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया की बात करें, इन्होंने अप्रूवल दे दिया है, क्या, इन्वेस्टमेंट ऑफ 665 करोड़ रुपीस, ठीक है, कौन कर रहा है, आबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी, ठीक है। तो आबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी जो है ये हमारे देश में आदित्य बिरला हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी में 9.99% शेयर परचेस कर रहा है, ठीक, बदले में 665 करोड़ रुपीस जो है वो आदित्य बिरला को मिल जाएंगे। तो कहने का मतलब क्या है दोस्तों, कि आदित्य बिरला हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी जो है, आदित्य बिरला हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी, ठीक, तो ये क्या करिए दोस्तों, तो ये अपना 9.99% शेयर ये आबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी को बेच रही है, ठीक, और इसका अप्रूवल CCI ने दे दिया है भाई, CCI कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया। तो कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया ने अपना अप्रूवल दे दिया है, आबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी 665 करोड़ रुपए देगी किसे, आदित्य बिरला हेल्थ इंश्योरेंस को, और इनसे 9.99% शेयर खरीद लेगी। तो ये पूरा मुद्दा है, तो वही हम यहाँ पढ़ रहे हैं दोस्तों, ये पहले पढ़ा चुका हूँ मैं आपको, ठीक है। तो अबाउट द कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया, तो कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया के चेयरमैन कौन है, अशोक कुमार गुप्ता जी हैं, इसे याद रखिएगा, ठीक। हम आगे बढ़ते आगे बढ़ेंगे बात करेंगे नेशनल न्यूज़ की दोस्तों। तो अभी तक हमने बहुत सारी चीज़ पढ़ ली है, बहुत सारी बातें कर ली हैं, ठीक है, तो बहुत सारी बातें कर ली हैं, तो एक बार थोड़ा देख लेते हैं क्या हमने पढ़ लिया अभी तक, सारे बच्चे एक बार देख लें फिर से, एक बार क्या पढ़ लिया हमने अभी तक।
तो हमने पहला पॉइंट क्या पढ़ा, ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स, और इसमें ये तीसरा एडिशन है रिपोर्ट का, और इसमें वियतनाम ने टॉप किया लगातार दूसरे साल, इंडिया चौथे नंबर पे, पहले पे वियतनाम, नंबर टू पे फिलीपींस, नंबर थ्री पे यूक्रेन, नंबर फोर पे इंडिया, नंबर फाइव पे यूएसए, है ना, देख लीजिए पूरी इंफॉर्मेशन। ये थर्ड एडिशन है रिपोर्ट का, वियतनाम लगातार दूसरे साल टॉप किया है। ठीक, आइए आगे बढ़ते हैं। युगांडा की यूथ क्लाइमेट एक्टिविस्ट, क्या नाम है, वैनेसा नकाटे, वैनेसा नकाटे, ये यूनिसेफ की गुडविल एम्बेसडर अपॉइंट हुई हैं दोस्तों, ठीक है, ये भी हमने आपको पढ़ा दिया। न्यूज नंबर टू, इंडसइंड बैंक ने सुमन कटपलिया को अपना MD CEO 3 साल के लिए दोबारा से बना दिया। फिर हमने क्या पढ़ा, CSB बैंक, इसने प्रलय मंडल को अपना नया MD CEO अपॉइंट किया 3 साल के लिए, ये भी आपने पढ़ लिया। ठीक, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इंडिया रेटिंग ने फाइनेंशियल ईयर 23 के लिए, इस साल के लिए, इस फाइनेंशियल के लिए, भारत यूथ रेट को 7% से 6.9 कर दिया, एक इन्फॉर्मेशन ये दोस्तों। फिर हमने क्या पढ़ा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अलाउ कर दिया है NRI को, मतलब विदेशियों को, कि आप भारत बिल पेमेंट सिस्टम का यूज करके इंडिया में पेमेंट कर सकते हैं। यही इंफॉर्मेशन आपके लिए है, लैंग्वेज थोड़ी सी अलग से बट पढ़ लेना। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 10 एंड 11 ऑफ द फॉरन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999, ये पॉइंट पढ़ना बहुत जरूरी है। ठीक दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए हमने क्या पढ़ा, रिलायंस जनरल इंश्योरेंस और पेटीएम के बीच में एग्रीमेंट हुआ है, मतलब पेटीएम एप्लीकेशन पे आपको रिलायंस की पॉलिसी मिल जाएगी, इसे याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, एक एग्रीमेंट साइन हुआ था इंडियन नेवी और MIT यूनिवर्सिटी के बीच में, इससे क्या फायदा मिलेगा, MIT यूनिवर्सिटी जो है वो इंडियन नेवी के लिए कस्टमाइजेबल कोर्स बनाएगी। ठीक है, एक पॉइंट ये था हमारा। नेक्स्ट पॉइंट, केंद्र सरकार, असम गवर्नमेंट और असम के 8 ट्राइबल कम्युनिटी के बीच में शांति समझौता एग्रीमेंट साइन हुआ, तो ये पढ़ लिया आपने। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। तो इंदौर भारत का पहला शहर बना जो स्मार्ट सिटी तो बनाई है विद डिजिटल एड्रेस, यानी आपका डिजिटल एड्रेस यहां पर होगा, इसके लिए इंदौर का और पता नेविगेशन के बीच में एग्रीमेंट साइन हुआ था। ठीक, आगे हमने क्या बात किया कि कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी का 665 करोड़ रुपए का जो इन्वेस्टमेंट था आदित्य बिरला हेल्थ इंश्योरेंस में, उसे अप्रूवल दे दिया है, और 9.99% शेयर ये जो है ये अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी के हो जाएंगे इसमें, आदित्य बिरला में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं गाइस। अब नेशनल न्यूज की बात करेंगे, तो नेशनल न्यूज में हमारे पास पहली इंफॉर्मेशन देखिए, ये इंफॉर्मेशन तेलंगाना के लिए, ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन तेलंगाना के लिए है। एग्जैक्टली मैं तेलंगाना का शहर हैदराबाद है ना, तेलंगाना की कैपिटल हैदराबाद, तो तेलंगाना चाहता है कि हैदराबाद को यूनेस्को में शामिल किया जाए। ठीक है, तो देखिए के टी रामाराव जो है दोस्तों, ये एक मिनिस्टर हैं तेलंगाना में, इन्होंने क्या बोला है कि हम कुतुब शाही टॉम्ब इसको रिस्टोर करेंगे। के टी रामाराव तेलंगाना की बात हो रही है, ये कुतुब शाही मकबरों को वापस से रिस्टोर करेंगे, मतलब वापस से बनाएंगे। क्यों बनाएंगे, देखिए पूरी इंफॉर्मेशन देखो, आपको ये सब याद नहीं रखना है कि के टी रामाराव ने क्या बोला क्या नहीं बोला, आपकी बस शांति समझो कि हम बात कर रहे हैं तेलंगाना की। तो तेलंगाना में वहां की सरकार ने अनाउंसमेंट किया है कि वो रेस्टोरेशन करेंगे ऑफ द कुतुब शाही टॉम्ब, कुतुब शाही मकबरा। ठीक, अच्छा क्या क्यों करेंगे, टू गेट अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज टैग फॉर द हैदराबाद, यानी कि वहां की सरकार चाहती है कि हैदराबाद को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में लाया जाए सामने। ठीक, तो कुतुब शाही टॉम्ब क्या है दोस्तों, तो कुतुब शाही टॉम्ब आर लोकेटेड इन द इब्राहिम बाग क्लोज टू द फेमस गोलकोंडा फोर्ट इन द हैदराबाद इंडिया। दोस्तों कहने का मतलब, हैदराबाद में एक फोर्ट है गोलकोंडा, उसके पास एक गार्डन है इब्राहिम बाग, वहां पर कुतुब शाही टॉम्ब है। तो कुतुब शाही मकबरा जो है वो समय के साथ थोड़ा टूट फूट गया था, तो अब जो तेलंगाना गवर्नमेंट है वो प्रॉपर इसको रेस्टोरेशन करेगी, जो करेगी, ताकि हैदराबाद को यूनेस्को की मतलब हेरिटेज साइट में शामिल किया जाए। तो ये स्टेट लेवल इंफॉर्मेशन भी आप कह सकते हो एक तरह से। ठीक है, लेकिन चूंकि ये यूनेस्को की बात यहां पर की गई है ना, तो इसलिए मैंने आपको यहां पहले पढ़ा दिया, ये पॉइंट याद रखिएगा, कुतुब शाही टॉम्ब तेलंगाना हैदराबाद, कुतुब शाही टॉम्ब तेलंगाना हैदराबाद, इतना पढ़ लो बस बहुत है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं और क्या बोला गया, दे कॉन्टेन द टॉम्ब एंड द मॉस्क्यू बिल्ट बाय द वेरियस किंग ऑफ द सुल्तान शाही डायनेस्टी। तो कुतुब शाही वंश के बहुत सारे जो सुल्तान थे उन्होंने मतलब इसे बनाया था, तो ये पॉइंट नहीं पढ़ने की जरूरत आपको नहीं है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे। तो पहली इंफॉर्मेशन हम बात करें तेलंगाना की, तो तेलंगाना सरकार जो है वो क्या कर रही है, वो वहां पर कुतुब शाही टॉम्ब जो है उसको फिर से बनाएगी, रिस्टोर करेगी। और क्यों करेगी, बिकॉज हैदराबाद को वो चाहते हैं कि यूनेस्को हेरिटेज साइट में वो देश शहर आए।
ठीक, आगे बढ़ते हैं गाइस। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन जो है वो धर्मेंद्र प्रधान जी की है। धर्मेंद्र प्रधान जी हमारे देश के क्या हैं, एजुकेशन मिनिस्टर हैं। इन्होंने लॉन्च किया रामकृष्ण मिशन अवेकिंग प्रोग्राम, रामकृष्ण मिशन अवेकनिंग प्रोग्राम। इसका मतलब दोस्तों क्या हुआ, देखिए धर्मेंद्र प्रधान जी ने लॉन्च किया है रामकृष्ण मिशन अवेकनिंग प्रोग्राम फॉर द स्टूडेंट। इसका मतलब क्या, देखिए तो यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जी की बात करें दोस्तों, ठीक, इन्होंने लॉन्च किया था रामकृष्ण मिशन अवेकनिंग प्रोग्राम, ठीक है, फॉर स्टूडेंट ऑफ क्लास 1 to 5। रामकृष्ण मिशन अवेकनिंग प्रोग्राम जो है ये क्लास 1 से 5 तक के बच्चों के लिए है, ठीक। रामकृष्ण मिशन अवेकनिंग प्रोग्राम फॉर द क्लास 1 to 5, ठीक। देखिए इट इज एन इनिशिएटिव टुवर्ड्स द इंश्योरिंग ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड इन लाइन विद द फिलोसफी ऑफ द नेशनल, ठीक है। इसका मतलब क्या है, तो ये आपका जो रामकृष्ण मिशन अवेकनिंग प्रोग्राम है इसका ऑब्जेक्टिव है ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट करना बच्चों का इन लाइन विद द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। मतलब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से ही यहां पे कोर्स कराए जाएंगे, ठीक है। मतलब यहां पर जो भी आपको कोर्स कराए जाएंगे या जो भी इंटरेक्टिव क्लास जो भी हो वो सब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के थ्रू होगा। तो फिर समझ लें क्या बोल रहे हैं यहां पर, हमारे एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जी ने रामकृष्ण मिशन अवेकनिंग प्रोग्राम लॉन्च किया फॉर क्लास 1 to 5 बच्चों के लिए। इस प्रोग्राम का ऑब्जेक्टिव है ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट, और ये जो प्रोग्राम है ये डिजाइन किया गया है अकॉर्डिंग द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। तो ये बस पॉइंट है जो आपको यहां पे समझा दिया गया, ठीक है। रामकृष्ण मिशन दोस्तों, तो रामकृष्ण मिशन हेडक्वार्टर बेलूर मठ वेस्ट बंगाल, ठीक है। फाउंडर कौन थे गाइस, स्वामी विवेकानंद फाउंडर थे इसके, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं गाइस और अब बात करेंगे आपसे हम नेक्स्ट इंफॉर्मेशन की। तो नेशनल न्यूज में हमने क्या पढ़ लिया, तो हमने आपको 2 इंफॉर्मेशन दी है। पहली इंफॉर्मेशन तेलंगाना सरकार हैदराबाद में जो ये आपका कुतुबशाही टॉम्ब है इसको रिस्टोरेशन करेगी, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या है, टू गेट अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट टैग फॉर द हैदराबाद, ठीक है। तो ये देख लिया आपने। इसके बाद हमने क्या पढ़ा है आपको, धर्मेंद्र प्रधान जी ने रामकृष्ण मिशन अवेकनिंग प्रोग्राम जो है ये कक्षा 1 से लेकर 5 तक के बच्चों के लिए लॉन्च कर दिया है। वॉट इज द ऑब्जेक्टिव वो आपको पता है, ठीक। अब इंटरनेशनल न्यूज की बात करेंगे, ठीक है। तो इंटरनेशनल न्यूज में दोस्तों जहां हमें लग रहा था अभी जो SCO समिट हो रहा है तो जहां हमें लग रहा था कि रशिया जो है वो अब यूक्रेन से वापस आ जाएगा, लेकिन कहते हैं ना कि कुछ लोगों को इसमें मजा आता है, अगर लड़ाई होगी नहीं तो अमेरिका अपने डिफेंस के सामान कहां बेचेगा। तो अभी जो हमारे वो हैं बिडन जी हैं इन्होंने क्या बोला, तो US अनाउंसेस न्यू $600 million आर्म पैकेज टू यूक्रेन। यानी अमेरिका यूक्रेन को 600 मिलियन डॉलर यानी हाँ वही हो गया 60 करोड़ डॉलर के हथियार पैकेज की घोषणा कर रहा है, ठीक है। देखिए पूरी इंफॉर्मेशन, US प्रेसिडेंट जो बाइडेन की बात करें इन्होंने अनाउंसमेंट किया था $600 million का एक आर्म पैकेज टू यूक्रेन, $600 million का एक आर्म पैकेज टू यूक्रेन, ठीक है। अब इस पैकेज में क्या है दोस्तों, तो इस पैकेज में वही मतलब ये सब पढ़ना थोड़ी ना आपको, हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम नाइट विजन गॉगल्स क्लेमोर माइंस माइंस क्लियरिंग इक्विपमेंट सब मतलब जो चीज नहीं बिक रही हो सब बेच दो पैकेज बनाकर, ये मतलब है इसका, ठीक है। तो दोस्तों ये क्या है पता है, ये US हेल्प नहीं कर रहा है, US बोल रहा है कि अगर आपके पास पैसे नहीं है हमसे आप $600 मिलियन लीजिए, हमारे ही पैसे लीजिए, हमारे ही सामान खरीदिए और फिर बाद में हमारे पैसे हमको वापस कर दीजिएगा, समझ रहे हैं। ये डिमांड क्रिएशन वाली बात हो रही है अपना पैसा देकर। तो US ने $600 मिलियन का एक आम पैकेज दिया यूक्रेन को और इसमें कौन कौन सामान मिलेंगे ये सब है, ठीक है, इसे देख लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, अबाउट यूक्रेन कैपिटल कीव, करेंसी यहाँ की चलती है हर्वीनिया और प्रेसिडेंट कौन है, तो व्लादिमीर जेलेंस्की जी हैं, बताइए आपको। आगे बढ़ेगा इस बात करते हैं स्पोर्ट्स की, तो स्पोर्ट्स में हमारे पास पहली इंफॉर्मेशन और मिस्टर प्रणव आनंद जो हैं ये भारत के 76 चेस ग्रैंड मास्टर बन गए। प्रणव आनंद भारत के 76 चेस ग्रैंड मास्टर बन गए दोस्तों, 15 साल के हैं ये, ठीक है, भारत के 76 चेस ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। कहां बने दोस्तों, देखिए तो ये अभी एक चैंपियनशिप में थे, वर्ल्ड यूथ चेस चैंपियनशिप रोमानिया में, तो वहां पे इनको जो अंक मिले उससे ये ग्रैंड मास्टर बन गए। नाम क्या है दोस्तों, प्रणव आनंद, ये भारत के 76 ग्रैंड मास्टर बने हैं। ये अभी पार्टिसिपेट कर रहे थे वर्ल्ड यूथ चेस चैंपियनशिप इन रोमानिया, वहां पर ये घोषित किए गए ग्रैंड मास्टर,
ठीक है, ये पढ़ लीजिएगा। रिसेंट चेस टूर्नामेंट विनर, तो ये हमने आपको बहुत पहले से इंफॉर्मेशन दी है, आप ये इंफॉर्मेशन याद रखिए, हम चेस की पूरी बात कर रहे हैं। हमारे पीडीएफ में ये इंफॉर्मेशन अलग से आपको मिल जाएगी याद करने के लिए। हम डिफेंस पर चलेंगे। डिफेंस में हमारा पहला कदम, पहली न्यूज देखिए दोस्तों, पूरे दुनिया में पहली बार ऐसा हुआ, पूरे दुनिया में पहली बार ऐसा हुआ है, भारत में हुआ है कि भारत ने अपने जो सीमा है, जो मतलब राजस्थान और गुजरात में जहां रेगिस्तान है, जहां बालू वालू है, तो वहां पे हमने महिलाओं का स्क्वाड्रन लॉन्च किया है। और ये महिलाएं कैमल पे चलेंगी, मतलब वो ऊंट होगा इनके में, है ना। तो कैमल स्क्वाड्रन की हम बात कर रहे हैं दोस्तों। देखो तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने अपना पहला फीमेल कैमल राइडिंग स्क्वाड लॉन्च कर दिया है। तो मतलब दोस्तों होता क्या, जैसे नहीं गश्त लगाना, पेट्रोलिंग करना, हमारे शहर में, आपके शहर में जो पुलिस है वो किस पे, वो जीप पर करती है अपनी पेट्रोलिंग, है ना। खूब लाइट पर जलती है, बढ़िया बढ़िया दिखता, दूर से दिखता है। अगर आप चोर हैं, अगर आप देखें दूर से ये पहुंचने लगे पुलिस आ रही है ना, भाग जाओ। तो जैसे पेट्रोलिंग होती है हमारे आपके शहर में, बहुत जगहों पर आपने देखा होगा कि पेट्रोलिंग घोड़े पर होती है। आप वाराणसी आए, कई जगहों पर आपको घोड़े पेट्रोलिंग मिल जाएगी, घोड़े पर लोग पेट्रोलिंग करते हैं। अब राजस्थान की बात करें तो वहां पर आप जीप और घोड़ा दोनों यूज नहीं कर पाएंगे। तो राजस्थान का भाई राजस्थान का जहाज क्या है, किसे हम बोलते हैं, ऊंट को बोलते हैं। तो ऊंट वहां के लिए फेवरेबल है। तो बीएसएफ ने महिलाओं की बैटालियन बनाई है, स्क्वाड, जिसमें केवल क्या है, महिलाएं ऊंट होंगी। ठीक है, देखिए तो यहां पर महिलाएं ऊंट का मतलब महिलाएं जो है वो ऊंट चलाएंगी। ठीक, तो बीएसएफ की पहली फीमेल कैनल राइडिंग स्क्वाड will be deployed along the India-Pakistan border in Rajasthan and Gujarat. तो BSF की पहली महिला ऊंट सवारी दस्ते को राजस्थान और गुजरात में deploy कर दिया गया है with the Pakistan. This squad will be the first of its kind in the world. पूरे दुनिया में किसी के पास ऐसा नहीं, जहां पर हमारी जो महिलाएं ऑफिसर हैं वो मतलब राइडिंग करेंगी ऊंट की, मतलब पेट्रोलिंग करेंगी। तो ये पॉइंट हमारे सामने देख लीजिएगा जो हमने दिखा दिया। जाफरीन जी थैंक यू सो मच। ठीक है, तो ये पॉइंट हमने एक्सप्लेन कर दिया, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इट विल पार्टिसिपेट फॉर द फर्स्ट टाइम इन द बीएसएफ राइजिंग डे परेड। तो पहली बार इनको शो किया जाएगा बीएसएफ के बीएसएफ राइजिंग डे परेड में, जो 1 दिसंबर को हुआ दोस्तों। ठीक है, तो 1 दिसंबर को ये जो स्क्वाड है ये दुनिया के सामने आएगा। कब आएगा, जब बीएसएफ का राइजिंग डे परेड होगा 1 दिसंबर को, तब ये आपको दिखा जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बीएसएफ, तो बीएसएफ के हेड कौन है, पंकज कुमार सिंह जी हैं। 1965 में बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को बनाया गया था, जब पाकिस्तान से लड़ाई हुई थी हमारी, समझ गए थे कि भाई पाकिस्तान और चाइना, इनसे बचने के लिए हमारे पास बॉर्डर पे एक फोर्स होना चाहिए, बीएसएफ। ठीक है, चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे न्यूज नंबर 2 की। और यहां पर क्या बोला गया है कि इंडियन नेवी रिवाइव नेवल ट्रेनिंग एरिया एट द मानस बल झील। ठीक है, मानस बल लेक इन द कश्मीर। तो भारतीय नौसेना ने कश्मीर में मानस बल झील में नौसेना प्रशिक्षण को क्षेत्र को पुनर्जीवित कर दिया है। ठीक है दोस्तों, देखिए बात है 1990 की। तो 1990 के बाद आपने देखा किस तरह से, मतलब जो हमारी घाटी, मतलब विलेज घाटी, मतलब जो वैली थी कश्मीर की, किस तरह से यहाँ पर टेरिस बढ़े। बड़े ही दुख की बात है कि मतलब जब सेंट्रल गवर्नमेंट हमारी अपनी होती है, स्टेट गवर्नमेंट भाई बोलते हैं कि जम्मू कश्मीर अलग स्टेट हम मानेंगे, अलग देश हम मानेंगे, लेकिन है तो यार हमारा ही ना। मतलब ये कैसे हो सकता है कि मतलब हमारी होम मिनिस्ट्री, हमारी गवर्नमेंट, सब कुछ हमारा होते हुए भी आपके देश में टेररिस्ट घुस आ जाते हैं और तांडव मचाते हैं। और ये आज भी होता है, ये आज भी हो रहा है, आज की भी गवर्नमेंट के टाइम पर हमने देखा किस तरह से। अभी आपने देखा होगा कश्मीरी पंडित बेचारे जो जॉब कर रहे थे, उनके जॉब के प्लेस पर जाकर उनको मार दिया गया, है ना। तो मुझे समझ में नहीं आता कि ये कैसे हो जाता है भाई। एक देश इसराइल भी तो है, एक देश यूएसए है। एक बार उस पर हमला हुआ उसके वहां पे ट्विन टावर पर, उसके बाद घुस घुस उसने मारा, और उसके बाद आपने कभी नहीं सुना कि यूएस पे हमला हुआ। तो ठीक है, आप ह्यूमन राइट देखिए, लेकिन मतलब इस तरह से तो नहीं होना चाहिए। तो घाटी में 1990 के बाद दोस्तों जो टेररिस्ट का आतंक मचा था, उसके बाद यहां पर इंडियन आर्मी को ही मना कर दिया गया था कि मतलब हमारे डिफेंस का कोई एक्शन यहां पे नहीं हो पाएगा। मतलब देश अपना था लेकिन आप कुछ कर नहीं सकते हो। ठीक है, देखिए तो अब क्या है, उसे सेना ने वापस रिस्टोर कर लिया। ठीक है, देखिए पूरी इंफॉर्मेशन क्या है। तो द इंडियन नेवी हैज रिवाइव द नेवल ट्रेनिंग एरिया एट द मानसबल लेक इन कश्मीर। कश्मीर में कहां पे दोस्तों, तो कश्मीर में गांदरबल जिला है।
गांदरबल डिस्ट्रिक्ट। पहले समझो कश्मीर की हम बात कर रहे हैं, तो कश्मीर में क्या है दोस्तों, गांदरबल जिला है, ठीक है। आफ्टर 33 इयर्स टू प्रोवाइड ट्रेनिंग टू नेशनल कैडेट कॉर्प्स कैडेट, दोस्तों इसका मतलब क्या है, इसका मतलब इंडियन नेवी जो है वो जम्मू कश्मीर के गांदरबल जिले में, एक झील है मानसबल झील, तो वहां पर एक्सरसाइज करती है, छोटी मोटी एक्सरसाइज करती थी इंडियन नेवी। तो लेकिन इसको क्या हुआ था, द ट्रेनिंग इन द एरिया वॉज सस्पेंडेड इन द अर्ली 1990s ड्यू टू द डिट्रिएशन ऑफ द सिक्योरिटी सिचुएशन, सुरक्षा की स्थिति बिगड़ने के कारण 1990 के बाद इस क्षेत्र को बंद कर दिया गया था कि यहां पर कोई एक्सरसाइज नहीं होगी, और जो वापस शुरू हो चुकी है, ठीक। तो इंडियन नेवी ने दोस्तों रिवाइव कर लिया है अपना नेवल ट्रेनिंग एरिया, कहां पे, कश्मीर के गांदरबल जिले में, यहां पर मानसबल झील है वहां पर। तो इस झील का यूज पहले भी होता था, 1990 के बाद से बंद हो गया था, तो 33 साल के बाद इंडियन नेवी ने ये अपना वापस ले लिया चीज कि भैया हम तो यही करेंगे अपना डिफेंस एक्सरसाइज, ठीक है। तो ये दोस्तों एक देख लेना एक पॉइंट, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अबाउट द एनसीसी, तो एनसीसी का एस्टेब्लिशमेंट ईयर 1948, हेडक्वार्टर दिल्ली दोस्तों, और एनसीसी के डीजी कौन है, लेफ्टिनेंट जनरल गुरबीर पाल सिंह जी एनसीसी के डीजी हैं, एनसीसी। तो नेशनल कैडेट कॉर्प्स को ही यहां पर ट्रेन किया जाएगा, देख लेना, तो एनसीसी के जो कैडेट्स हैं उनको यहां पर ट्रेन किया जाएगा, यह भी इंफॉर्मेशन याद रखना। यहां कहां, कश्मीर का गांदरबल जिले में मानसबल झील में इंडियन नेवी करेगी एनसीसी कैडेट को यहां पर ट्रेनिंग करेगी, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे, नेक्स्ट पॉइंट समिट एंड कॉन्फ्रेंस की बात करेंगे। तो समिट एंड कॉन्फ्रेंस में हमारे पास पहली इंफॉर्मेशन, आज अगर आप न्यूज देख रहे होंगे तो पीएम मोदी का कल का भाषण भी दिखा रहा था यहां पे, है ना। तो दोस्तों इंडिया टेक ओवर एससीओ रोटेटिंग प्रेजिडेंसी टू होस्ट एससीओ समिट इन 23, दोस्तों इसका मतलब यह कि 2000 इस समय एससीओ शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का चेयरमैन भारत बन गया है, क्योंकि भारत 2023 में एससीओ की मेजबानी करेगा भारत। और इस बार कहां पर हुई, तो नरेंद्र मोदी जी खुद गए थे समरकंद, तो समरकंद में क्या था, इस बार एससीओ समिट था, है ना दोस्तों, पूरी इंफॉर्मेशन देखिए। द रोटेशन प्रेसिडेंसी मतलब जो देश होस्ट करेगा एससीओ समिट को उसके पास क्या होगी, चेयरमैनशिप होगी। द रोटेशन प्रेसिडेंसी ऑफ द एससीओ वॉज हैंडेड ओवर टू इंडिया इन द समरकंद उज्बेकिस्तान, क्योंकि इस बार 2022 का जो एससीओ समिट दोस्तों हो रहा था वो कहां हो रहा था, उज्बेकिस्तान में समरकंद, भारत यहां पे गया था। अब चूंकि 2023 में भारत करेगा मेजबानी, तो भारत को इसकी चेयरमैनशिप दे दी गई, ठीक, वही बोला गया यहां पे केवल। आगे बढ़ते हैं, द नेक्स्ट मीटिंग ऑफ द एससीओ काउंसिल ऑफ हेड ऑफ स्टेट विल बी हेल्ड इन द 23 इन इंडिया, मतलब यानी एससीओ के जो हेड ऑफ स्टेट का मतलब क्या हुआ, जो मेन नेता लोग हैं उनकी मीटिंग कहां पर होगी, 23 में इंडिया में होगी, ठीक है, ये बोला गया दोस्तों। और क्या बोला गया, तो इंडिया विल होल्ड द प्रेसिडेंसी ऑफ द प्रोग्राम फॉर अ ईयर, तो ठीक है, मैं क्लियर है, तो भाई एक साल तक भारत के पास एससीओ की चेयरमैनशिप रहेगी। अब मजे की बात यह कि पाकिस्तान को आना पड़ेगा भारत में, है ना, और सुन लीजिए, इस पूरे एससीओ मीट में चाइना के जो प्रेसिडेंट शी जिनपिंग निकले ही नहीं, शी जिनपिंग ने किसी से बात ही नहीं की, जब लास्ट में आपका होता ना फोटो सेशन तब ये आए थे केवल फोटो खिंचवाने के लिए, अब कैसे बाहर निकले भाई, COVID-19 फैलाया है तो मुंह छो रहा है इनका। दूसरी बात यह कि चाइना इस समय जबरदस्त संकट में पड़ा हुआ है, अब चाइना ने मतलब बेसिकली लड़ाई कर तो ली, ताइवान को मार देंगे, खत्म कर देंगे, वो खत्म कर देंगे, कुछ भी नहीं कर पाए, तो ग्लोबल लेवल पे इनकी स्थिति को भी धक्का लगा है। इधर आप भारत से हारे, हाँ हारे यार, गलवान वैली के बाद जो लड़ाइयां शुरू हुई गलवान वैली से लेके आपके यहां तक पूरा तिब्बत तक भारत ने बहुत मारा इनको। एक्चुअली में भारत ने इसकी तैयारी पहले से शुरू कर दी थी, भारत के जो माउंट आर्मी के लोग हैं ना, जो माउंट मतलब उसके लिए मतलब जो आर्मी है भारत के पास वो काफी स्ट्रांग है, और भारत ने मजे की बात देखिए वहां पे तिब्बतियों को ही जॉब दी है। एक्चुअली तिब्बत या पठार या पहाड़ की बात करें गाइस, तो वहां के जो लोग हैं, मतलब फॉर एग्जांपल मैं अपनी बात करूं, मैं रहता हूं उत्तर प्रदेश में नोएडा में, आप मुझे भेज दो कहां पे, गलवान वैली, मैं सांस नहीं ले पाऊंगा वहां पर, मेरी हैबिट नहीं है ना, तो वहीं के लोग को जॉब देकर इंडिया ने एक आर्मी बनाई है वहां पर, समझ रहे हैं, तो बहुत मारा चीनियों को, बहुत मारा है ना, भाग गए वहां से वो लोग। तो एक तरफ आपने हार मतलब यहां मार खाई आपने, उधर आप साउथ चाइना मार खा रहे हो, तो चाइना कंडीशन काफी खराब है। और सही बात यह है दोस्तों, इंडिया कॉन्टिन्यूस क्या कर रहा है, इंडिया कॉन्टिन्यूस चाइना से अपने सामान जो इम्पोर्ट हम करते हैं उसमें कमी ला रहा है। आपने देखा होगा दोस्तों कि बहुत इधर हमने सेमीकॉन पॉलिसी की बात कर ली,
और सेमिकॉन पॉलिसी में भी हम वियतनाम, लाओस, इन कंट्री की बात कर रहे हैं जो सारे देश चाइना से दुखी हुए हैं। तो इंडिया ने चाइना को बहुत अच्छा काउंटर दिया इस समय, है ना। हमने डिफेंस के मतलब वेपन जो हैं वो सब हमने खरीदना बंद कर दिया बहुत सारा। अभी रिलायंस ने जो 5G की बात की है, रिलायंस ने अपने मीटिंग में बोल दिया है कि हमारा एक स्क्रू भी चाइना से इंपोर्टेड नहीं है। पूरा हमने जहां से भी इंपोर्ट किया चाइना से इंपोर्ट नहीं किया हमने एक भी। तो इस तरह से हम चाइना को थोड़ा मार भी रहे हैं, इकोनॉमिकली मार रहे हैं, तो चाइना थोड़ा परेशान है। तो चाइना हमसे मिलने ही नहीं आया, बाद में मतलब लास्ट में आके मिलने आया। तो मेनली यहां पर क्या है दोस्तों, ईरान को यहां पर इंडिया का बड़ा सपोर्ट है, इंडिया और चाइना का। दोस्तों ईरान की बात करें, ईरान एक ऐसा देश है जो कि काफी ज्यादा रिच है अपने क्रूड ऑयल को लेकर। लेकिन ईरान जब 1970 में ईरान में इस्लामिक रिवॉल्यूशन हुआ तो ईरान पर बहुत सारे बैन लगा दिए गए। तो ईरान के पास सब कुछ होते हुए भी ईरान उसका यूज कर नहीं पा रहा। और दोस्तों दिक्कत यह है कि ना हमारे बगल में पाकिस्तान है। इंडिया की जो लोकेशन है दोस्तों, ये इंडिया की लोकेशन जो है, तो इधर क्या आपका, इधर ऊपर आपका रशिया है, इधर आपका मिडिल ईस्ट कंट्रीज है, सेंट्रल एशिया, इधर मिडिल ईस्ट कंट्री, इधर यूरोप है। तो इंडिया का जो एंट्रेंस है ना यूरोप को लेकर, वो बड़ा दिक्कत में है, क्योंकि हमको पाकिस्तान से होकर जाना पड़ता था। पाकिस्तान इसी काम से धौस जाता है। तो हमने क्या किया, हमने ईरान में हमने ग्वादर, अरे ये ईरान में हमने क्या किया, चाबहार पोर्ट डेवलप कर दिया। ईरान एक ऐसा देश है जिससे आप यूरोप में आराम से जा सकते हो। लेकिन दिक्कत यह है कि वेस्टर्न कंट्री और अमेरिका ने ईरान पे सैंक्शन लगाए हुए हैं। तो इंडिया चाहता है कि ईरान जो है वो ग्लोबल लेवल पे थोड़ा सा एक्सप्लोर करे अपने आप को, अपने रिलेशन सुधारें, ताकि ईरान का यूज अच्छे से कर सके हर देश। ये चीज मुद्दा है पूरा। तो 2023 में जब इंडिया में समिट होगी तो ईरान को एज ए मेंबर यहां पे जोड़ लिया जाएगा, ठीक है दोस्तों। देखिए यहां पे पूरी इंफॉर्मेशन। तो ईरान विल ऑल्सो बिकम ए परमानेंट मेंबर ऑफ SCO इन 23 अंडर द प्रेजिडेंसी ऑफ द इंडिया। हम सोच रहे थे कि ईरान को चाइना सपोर्ट कर रहा है, लेकिन कल मैंने बहुत रिसर्च किया तो मुझे मालूम चला कि इंडिया ही सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि इंडिया चाहता है कि ईरान अपने कंडीशन को छोड़े। भाई ईरान में लोग कुछ करते नहीं है बेचारे, ये लोग कुछ करते नहीं, लेकिन बोल देते हैं हम ये कर देंगे, हम इसराइल खत्म कर देंगे, हम यूएस खत्म कर देंगे। ये लोग बोलते बहुत हैं, जिनका ना नुकसान होता है। तो मोदी ने समझाया कि बोला कम किया कीजिए, काम ज्यादा कीजिए। आपको समय नहीं है कि आप इसराइल खत्म कर देंगे, काहे पाकिस्तान बन रहे हैं आप लोग दूसरे, है ना। चलो भाई सिंपल सी बात है ना भाई, दुनिया में बहुत सारे देश हैं। अगर आप बात करें तो एक इस्लामिक कंट्री का ग्रुप है। आप सऊदी अरेबिया की बात कर लें, UAE की बात कर लें, इंडोनेशिया की बात कर लें, मलेशिया की बात कर लें, कहीं कोई दिक्कत नहीं, कहीं कोई आतंकवाद नहीं है, कहीं कोई परेशानी नहीं है। ये केवल पाकिस्तान में दिक्कत है। पता नहीं क्या दिक्कत इन लोगों को रहती है यार, इन्हें कुछ समझ में नहीं आता है। कुछ बनाते हैं है नहीं, कुछ करते हैं नहीं, कोई एक्सपोर्ट इम्पोर्ट इनका है नहीं, बस लोन लो, खाओ पियो, मजे लो, इनका वही चलता रहता है। पहले लिया USA से लोन, अब ले रहे IMF से लोन ले रहे हैं, ठीक है यार। शर्म इंसान को आनी चाहिए, मतलब कुछ तो तुम करो यार, तुम्हारा कोई तो नाम हो, किस तुम आगे हो, खाली मार खाने में आगे हैं। चलो दोस्तों, तो ईरान विल ऑल्सो पर बिकम अ, पर ये हो गया हमारा 23 में हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए SCO, तो अभी SCO में 8 मेंबर कंट्री हैं। तो 2023 में जब इंडिया में SCO समिट होगा तो इंडिया को मेंबर अपॉइंट कर लिया जाएगा, ठीक है। झांग मिंग सेक्रेटरी जनरल है किसके, SCO के, झांग मिंग ये सेक्रेटरी जनरल है, हेडक्वार्टर बीजिंग चाइना में दोस्तों, एस्टैब्लिशमेंट 2001 ये बना आपका SCO। आगे बढ़ते गाइस, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते, देखिए यहां पे अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे। यहां पर हम क्या बात कर रहे हैं, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस आंगन 2022, 3 दिन का इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस आंगन हुआ दोस्तों, आंगन। अब कहां पर हुआ, क्या हुआ, क्या पॉइंट इसमें वो देख लेते हैं। देखिए आंगन 2022, ठीक, इसका फुल फॉर्म है ऑगमेंटिंग नेचर बाय ग्रीन अफोर्डेबल न्यू हैबिटेट। ऑगमेंटिंग नेचर बाय ग्रीन अफोर्डेबल न्यू हैबिटेट, आप चाहें तो फुल फॉर्म में पढ़ें, आंगन पढ़ लें 2022। ऑर्गेनाइज बाय द ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी एंड स्विस एजेंसी फॉर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। तो यहां पे दो लोगों ने ऑर्गेनाइज किया, एक तो हमारे देश की एजेंसी है ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी और दूसरी स्विस एजेंसी है फॉर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। थीम क्या दोस्तों, हो तो मेकिंग द जीरो कार्बन ट्रांजिशन इन बिल्डिंग। दोस्तों इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि क्या हमारी बिल्डिंग भी कार्बन का एमिशन करती है। जी हाँ, आपकी बिल्डिंग भी कार्बन का एमिशन करते हैं या फिर क्लाइमेट को नुकसान पहुंचाते हैं। भाई अगर आप अपने घर में रहते हो, आप एसी यूज करते हो, कहीं ना कहीं गैस निकलती है, आप फ्रिज यूज करते हो,
गैस निकलती है, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं गाइस जहां पे कार्बन का एमिशन आप करते हो। फॉर एग्जांपल घर में खाना तो बनाते हो ना, हालांकि एलपीजी कनेक्शन आजकल घर में अवेलेबल है, तो कहने का मतलब कि जो मॉडर्न बिल्डिंग्स है ना उनसे भी कार्बन का बहुत एमिशन होता है। तो भविष्य में ऐसी बिल्डिंग रेडी करना जहां कार्बन का एमिशन जीरो हो जाए, हम नेचुरल कुछ ऐसा यूज करें कि जहां पे हमें कार्बन यूज करना ही ना पड़े, ठीक है, उसकी बात हो रही है यहां पे। देखिए तो इट वॉज हेल्ड अंडर द इंडो स्विस बिल्डिंग एनर्जी एफिशिएंसी प्रोजेक्ट। तो बस आपको ध्यान कर देना दोस्तों, हम आंगन की बात कर रहे हैं, और एक बात अपने माइंड में याद रखना है कि आंगन का मतलब कहीं ना कहीं हम लोग जीरो कार्बन एमिशन बिल्डिंग की बात कर रहे हैं। थीम है ना मेकिंग द जीरो कार्बन ट्रांजिशन इन बिल्डिंग्स, ठीक दोस्तों। तो ऑर्गेनाइज बाई द ब्यूरो ऑफ द एनर्जी एफिशियंसी एंड स्विस एजेंसी फॉर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, सिंपल सा पॉइंट है, आंगन 2022, ठीक है। तो ये पॉइंट हमारे सामने दोस्तों याद कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, दिल्ली में ये हुआ दोस्तों, देखो दिल्ली में ये हुआ, तो दिल्ली में सम्मेलन आंगन का हुआ। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन बुक्स एंड ऑथर दोस्तों। तो बुक्स एंड ऑथर में पहली इन्फॉर्मेशन, तो एक बुक आई है अंबेडकर एंड मोदी रिलीज, अंबेडकर एंड मोदी इसे रिलीज किया गया है। देखिए दोस्तों पूरी इन्फॉर्मेशन, तो एक बुक आई है अंबेडकर एंड मोदी रिफॉर्मर्स आइडियाज परफॉर्मेंस इंप्लीमेंटेशन। आप चाहें तो बुक का पूरा नाम मत लिखें, आप याद कर लें केवल अंबेडकर एंड मोदी। तो ये बुक रिलीज किया है हमारे देश के फॉर्मर प्रेसिडेंट भैया रामनाथ कोविंद, लड़ाई हो जाएगी यहां पे, फॉर्मर प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी, कंपाइल्ड बाय द ब्लूक्राफ्ट डिजिटल फाउंडेशन। यानी इस बुक कोई ऑथर नहीं है, ब्लूक्राफ्ट डिजिटल फाउंडेशन एक संस्था होगी जिसने कुछ चीजें कंपाइल की हैं, इनकी भाषण उनके भाषण मिला जुला के, तो कोई ऑथर इसका नहीं। तो ब्लूक्राफ्ट फाउंडेशन ने इसे क्या किया, कंपाइल किया, ठीक, ये बुक। आगे बढ़ते हैं गाइस, नेक्स्ट पॉइंट, इंपॉर्टेंट डेज की बात कर ले, तो वर्ल्ड बैम्बू डे। बैम्बू को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रीन गोल्ड बोलते हैं, हरा सोना। तो वर्ल्ड बैम्बू डे 18 सितंबर को ऑब्जर्व किया गया पूरी दुनिया में। तो 18 सितंबर को वर्ल्ड बैम्बू डे मनाया गया दोस्तों, ये सबसे पहले 2009 में स्टार्ट किया गया था। देखिए आफ्टर चाइना इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट कल्टीवेटर ऑफ बैम्बू इन द इंटायर वर्ल्ड। यानी चाइना के बाद भारत दुनिया में दूसरे नंबर का सबसे बड़ा बैम्बू प्रोड्यूसर देश है, ठीक दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, अब स्टेट लेवल इंफॉर्मेशन की बात करेंगे। तो पहली इंफॉर्मेशन हमारे पास, झारखंड रेसेस रिजर्वेशन फॉर एससी एसटी एंड अदर्स टू 77%। यानी झारखंड ने अपने स्टेट में रिजर्वेशन बढ़ा दिया, सबसे ज्यादा बढ़ाया है ओबीसी में। ओबीसी का कोटा पहले 14% था, इसे बढ़ा के 27% कर दिया गया। तो झारखंड में अब एससी एसटी ओबीसी और ईडब्ल्यूएस मिला जुला के 77% रिजर्वेशन, 77% रिजर्वेशन, ठीक। देखिए पूरी इंफॉर्मेशन, तो झारखंड गवर्नमेंट हैज गिवन इट्स नोट टू अ प्रपोजल फॉर ग्रांटिंग 77% रिजर्वेशन इन स्टेट गवर्नमेंट जॉब्स फॉर द मेंबर ऑफ द एससी एसटी बैकवर्ड क्लासेस ओबीसी एंड इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, ठीक। तो 77% रिजर्वेशन झारखंड में होगा वहां की स्टेट गवर्नमेंट जॉब में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, द स्टेट कैबिनेट हाइक द ओबीसी रिजर्वेशन 27% फ्रॉम 14%, जो मैंने बोला, तो 14 से बढ़ा के 27% ओबीसी कर दिया गया है, टोटल रिजर्वेशन 77%, ठीक है। अबाउट झारखंड, कैपिटल रांची, चीफ मिनिस्टर हेमंत सोरेन, गवर्नर रमेश ब्यास, नेशनल पार्क बेतला नेशनल पार्क, ये सब बड़ा अच्छा होता है पता है। अभी स्टेट को बढ़ाया, अब क्या होगा पता है, अब ये मामला कोर्ट में जाएगा। मामला कोर्ट में इसलिए जाएगा क्योंकि कहीं ना कहीं बोला गया कि भाई हमारे देश में 50% से ऊपर रिजर्वेशन नहीं हो सकता है, हालांकि स्टेट को इसमें छूट है। अब मामला कोर्ट में जाएगा, मामला कुछ दिन चलेगा, फालतू का इसमें अब ऐसे लोग भी होंगे जो मान लो आप खुश हो गए, आप इसमें आ गया खुश हो गए, अगले साल आप जॉब दे रहे हो लेकिन मामला कोर्ट में है, कुछ होगा आप एग्जाम दे रहे हो। तो कहने का मतलब होता है कि जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट है बड़ी बुद्धिमान होती है, मामले को लटकाना कैसे होता है वो भी आप देखेंगे अभी कुछ दिन में, है ना। ये हमेशा कुछ दिन एमपी में हुआ, एमपी में मुझे याद है मैं पढ़ाता था, आई थिंक 2-3 साल पहले ऐसा हुआ था, मामला फिर कोर्ट में गया, फिर मामला का रिजल्ट आया, थोड़ा टाइम लग गया उसमें थोड़ा सा, है ना। चलिए फिलहाल तो ये हो गया 77%। आगे बढ़ते हैं, अबाउट झारखंड कैपिटल, ये तो हो गया हमारा दोस्तों। तो इतनी इन्फॉर्मेशन थी हमारे पास, देख लीजिए ये मेरी प्रोफाइल है अनअकैडमी पर दोस्तों, और आप मुझे फॉलो कर सकते हो अनअकैडमी पर मेरे बैचेस के लिए। मेरा नाम अभिजीत मिश्रा है, मैं जीए पढ़ाता हूँ, आप मेरी क्लास देख रहे हो यहाँ पे, ठीक। आपके लिए इन्फॉर्मेशन क्या है, तो आपके लिए अच्छी इन्फॉर्मेशन क्या है दोस्तों, 25 सितंबर को मॉर्निंग 10 AM पे आपका अनअकैडमी कॉम्बैट है, मतलब स्कॉलरशिप टेस्ट है, और इस टेस्ट में आपको क्या क्या मिलने वाला है। अगर आप रैंक वन है तो आपको लैपटॉप मिलेगा 40,000 रुपए का, रैंक वन को, रैंक टू को मोबाइल फोन मिलेगा 20,000 रुपए तक का, रैंक थ्री को मिलेगा ईयरपॉड्स मिलेगा,
रैंक फोर को मिलेगा 5,000 रुपए का गिफ्ट वाउचर्स और रैंक फाइव को मिलेगा 2,500 रुपए का गिफ्ट वाउचर। इसके अलावा आपको 100% स्कॉलरशिप भी मिलेगी अनअकैडमी में, ठीक है। तो ये आपके पास है, अगर आप नए बच्चे हो, आप एग्जाम देने जाओगे, इसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। तो बस आपको हमारा कोड लगाना है AVP10, जिसके थ्रू फ्री ऑफ कॉस्ट आपको यहां पे मिल जाएगा एनरोलमेंट, ठीक है। अब बात करते हैं पेड बैचेस की। तो अनअकैडमी ज्वाइन कैसे कर रहे हैं, मतलब क्या आपके पास है कि आप ज्वाइन करें, प्लस की आइकॉन एक देखिए, प्लस की फीस इतनी है समय। तो अगर आप नए हो तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आपको 2 साल के लिए अनअकैडमी ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि आपका कई बार सिलेक्शन 1 साल में नहीं होता है। दूसरी बात यह भी है कि अनअकैडमी पर ही फीस बढ़ती रहती है, तो 24 महीने पर आप ज्वाइन कर लेंगे तो आपको फीस बढ़ने पर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, 375 रुपीज पर मंथ के हिसाब से आपको देना है। और 12 मंथ की फीस आपकी है 625 रुपीज पर मंथ के हिसाब से, आपके नेटफ्लिक्स इन सब सस्ता ही है आपसे, है ना। और हमारा कोड क्या है, AVP10 आप लगाएंगे तो आपको इसमें भी 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा हमारे कोड से। और अगर आप आइकॉनिक एडमिशन लेते हैं, ठीक है, तो आइकॉनिक में आपकी फीस कितनी है, 24 महीने की फीस पड़ेगी आपकी 575 रुपीज पर मंथ के हिसाब से, और 12 मंथ की पड़ेगी 967 रुपीज पर मंथ के हिसाब से। इसमें भी आपको 10% डिस्काउंट मिल रहा है हमारे कोड से, कोड हमारा है AVP10। देखो आप बोलेंगे सर आइकॉनिक महंगा क्यों, थोड़ा सा क्यों महंगा है वो देख लीजिए। दोस्तों अब यहाँ पे कंपेरिजन हम कर रहे हैं कि हम अगर आइकॉनिक लें प्लस लें तो हमें क्या एक्स्ट्रा मिलेगा। देखिए अगर आप आइकॉनिक एडमिशन सॉरी लेते हो गाइस, ठीक है, तो आपको फिजिकल नोट्स मिलेगा, मतलब हमारे नोट्स आपको PDF फॉर्मेट में आपके घर पे मिलेंगे, आपके ऑफलाइन फॉर्मेट में, जो प्लस में आपको नहीं मिलते हैं, केवल ऐप पर मिलते हैं, ऑफलाइन नहीं मिलेंगे। मैगजीन दोनों मिलेगी आपको, ऐप पर मिलेगी, रेज अ हैंड दोनों मिलते हैं आपको, आस्क अ डाउट दोनों मिलता है आपको, पर्सनलाइज सॉल्यूशन आपको केवल आइकॉनिक पे मिलता है, पर्सनलाइज सॉल्यूशन प्लस में नहीं मिलता। तो इसका मतलब होता है कि अनअकैडमी आपके लिए कुछ मेंटर हायर करते हैं जो कि पर्सनली आपकी देखरेख करेंगे, आपके डाउट सॉल्व करते हैं, ठीक है, इसीलिए आइकॉनिक थोड़ा महंगा है दोस्तों, ठीक। चलिए मिलते हैं आपसे रात में 10:10 PM पे फॉर द MCQs ऑफ सेम सेशन। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिए, खूब पढ़िए।